এবার অনলাইন সেমিস্টার হবে না। অনলাইন সেমিস্টার প্লিজ বাদ দিন। ওয়ানি মান পেজ নাম্বার নি কাটা দিও। एक एक आंटी क्वेश्चन नंबर 3 जरा होमवर्क रख लेना। कल जरा रेशियोस का टेस्ट और रख लेना। आज वाला दिए क्लास के बाद में टेस्ट कर लेना। सर रेशियोस का टेस्ट, एक रेशियोस का कल टेस्ट और करा दिया। ये वाला तो सिर्फ था उसका इंटरप्रिटेशन थी, जरा कल कुछ फिगर्स के साथ इंटरप्रिटेशन हो रहा है। ठीक है, कैश को मेरे ख्याल एक दिन बाद रख लीजिए, पहले रेशियोस कर लें फाइनल। जैसे आपका दिल करे, जो मुस्कुराना चाहे मुस्कुरा लो। घर ले थे, घर ले थे, वापस भेज दें। इन मोबाइल्स का क्या फायदा, मैंने तो नहीं कहा इधर ना दे, मैंने कहा इधर ना दे, इधर दे ना इधर दे, इधर नहीं होंगे तो उधर दे, कहीं ना कहीं तो दे। किस चीज की छुट्टी, जब ईद होगी तो छुट्टी कर लेंगे। तो ईद बता दें किस दिन है। अपने 3 दिन का प्लान बता दें, हमने क्या क्या करना। नहीं मतलब मैं देख लेता हूँ प्लान, देख के देता हूँ। अपने 3 दिन की मसरूफियात देख लें, तो उसको फिर मैं कंसिडर कर लेता हूँ। हाँ हाँ नहीं, कल तक दे दीजिएगा, लिख के दे दो। ठीक है, लिख के दे दो, मुझे जरा मसरूफियात का अंदाजा हो जाएगा। हो सकता है 2-3 हफ्ते की छुट्टियां दे दूंगा, मसरूफियत इतनी ज्यादा। पेज नंबर नहीं कर रहे सर, वॉल्यूम वाला। पेज नंबर 176 और 177 पे आपने कुछ शेयर्स के हवाले से डिस्कशन लिखी हुई है, तो कांडी जरा 5 मिनट स्क्रीन से इसे पढ़ें और आवाजें खत्म कर देते। याद से ले लीजिए जरा, कुछ देख लेते हैं कल उसका आंसर। ठीक है, पेज नंबर 176 177 रेशियोस का एक नजर पड़े जरा। कल नीचे एक भाई मोबाइल ऑफ करना चाह रहा है, उससे फोन नहीं डाल रहा, पहले का हेल्प कर देगा। एक येलो शर्ट में भाई बैठा, मोबाइल हो नहीं, ऑफ नहीं हो पा रहा। नीचे है ड्यूटी है, वैसे सब है नीचे, कोई भी नहीं। नहीं वो भाई ने जरा मोबाइल ऑफ करना, काफी देर से करा। जी सर, आप पढ़ रहे हैं सर। नीचे तरह चेक कीजिएगा, सही चला वीडियो देखा, सही नहीं, अब सही हो गया नीचे नीचे।
रेफरेंस शेयर वर्ड क्यों यूज होता है? दो प्रेफरेंसेस हैं, नहीं नहीं वो तो टाइप्स है ना, दो प्रेफरेंसेस हैं इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे। नंबर एक, डिविडेंड पहले मिलता है और वाइंडिंग अप पे पैसे भी पहले वापस आते हैं, तो इनको क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे, डिविडेंड के वक्त भी और वाइंडिंग अप के वक्त पैसों की वापसी करते भी, इसी प्रेफरेंस शेयर के नाम पे। पेज नंबर 184 अब आपने ढूंढना है वॉल्यूम 2 का, वॉल्यूम 1 फिलहाल बैग में रखें। Have a seat, sir. शदीद बारिश हो रही है, कहीं पाकिस्तान के किसी कोने में तो हो रही होगी ना यार, पाकिस्तान में नहीं तो कहीं तो हो रही होगी। जैसे जी पेज नंबर 184 है, हेडिंग लिखी हुई अर्निंग्स पर शेयर, रेडी है प्लीज? पहले आपने पकड़ना, जरा स्टोरी सी पढ़ना। ये सर ये जो हेडिंग लिखी है ना अर्निंग्स पर शेयर, ये एक फॉर्मूला है, अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये इस फॉर्मूले को, अर्निंग्स पर शेयर वाले फॉर्मूले को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं, फिलहाल अर्निंग्स का मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल की अमाउंट की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट है डिवाइड बाय 10,000 शेयर है, तो व्हाट इज 10? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर वन शेयर, पर वन शेयर 10 रुपए पर शेयर, पर वन शेयर, पर वन 10/1, क्या मतलब 10/1? एक शेयर के बदले 10 रुपए, एक शेयर पे 10 रुपए कमाया, 10 शेयर्स पे 100, 10,000 शेयर्स पे 1,00,000। तो जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स, वो इस रेशियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और देयरफॉर इस रेशियो की कैलकुलेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक पूरा आईएएस बना हुआ। आईएएस स्टैंड फॉर आईएएस 33, जो सारा भी हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ इस रेशियो की कैलकुलेशन के लिए बना। इस रेशियो की इंपॉर्टेंस की वजह से एक पूरा स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि ये रेशियो कैसे कैलकुलेट होनी है, इसकी अर्निंग्स कैसे आनी है, नंबर ऑफ शेयर से क्या होगा। हमारी ये सारी डिस्कशन सिर्फ एक रेशियो पे है, एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड एज अर्निंग पर शेयर। तो एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला जहन में रखिए, अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, और फिलहाल अर्निंग्स मीन्स प्रॉफिट, तो सिंपली प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब आए एक इंट्रोडक्शन, अभी अर्निंग पर शेयर इज अ रेशियो used in the financial analysis of a set of financial statements. This ratio is however so useful and popular that a standard IAS 33 had to be developed to control the method of calculation thereof. Standard isliye bana diya gaya taki har company apni EPS ki working, ek abbreviation bhi isliye likhte hai, isko short words mein kehte hai EPS, sab companies EPS ki working ek hi tarike kare, ताकि फिर डिफरेंट कंपनीज की ईपीएस आपस में कंपेयर हो सके, और फिर इन्वेस्टर्स उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सके। अगर हर कंपनी अपने ही कोई तरीका निकाल ली करने का, तो वो जो ईपीएससीज होंगी वो आपस में कंपेरेबल नहीं होंगी, देखो फिर उसकी यूटिलिटी, इसका फायदा खत्म होगा। इसके हम कुछ लिमिटेशन पड़ रहे थे, तो वो कमी खत्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिए गए, ताकि हर कंपनी के अकाउंटेंट्स
की बेस पे जब ईपीएस कैलकुलेट करें वो एक स्टैंडर्डाइज वे में कैलकुलेट करें। दिस स्टैंडर्ड सेट आउट द कैलकुलेशन, दिस स्टैंडर्ड सेट्स आउट हाउ टू कैलकुलेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या है अर्निंग जो ऊपर लिखा होता है शायद, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शायद उन्हीं के लिए होता है। Objective of IEC 33 is to set out principles for calculation of EPS and presentation of EPS in the financial statements. पहले तो हम calculation सीखेंगे, फिर EPS को shareholders के लिए किस जगह present करना है, notes में, statement में, वो भी discuss करेंगे। The purpose of standardizing the calculation and presentation of EPS is to make it easier for the user financial statements to come performance of different entities in the same reporting period and same entity for different reporting periods. इस तरह की बात जानी चाहिए। मकसद इसका क्या है कि compare हो सके परफॉर्मेंस। अगर मैं आपको कहूँ कि किसी एक कंपनी की EPS 10 रुपए पर शेयर है और किसी दूसरी की 50 रुपए पर शेयर है तो क्या इससे आपको कोई पता चलता है? Higher the better, lower the better. ऐसे ही है। और अगर over a period of time आपको बता दूँ कि कंपनी की 2020 में EPS 10 थी, 21 में 12 हो गई और 22 में फॉर एग्जांपल 25 हो गई, इससे भी आपको ट्रेंड पता चल सकता है। तो इस ईपीएस का फिर कंपैरिजन का तरीका क्या होगा कि हम किसी एक कंपनी की ईपीएस को दूसरी कंपनी से भी कंपेयर करेंगे और किसी एक कंपनी की इस साल की ईपीएस को पिछले सालों से भी कंपेयर करेंगे, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले सालों के साथ भी और अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस दूसरी कंपनीज ऑफ द सेम सेक्टर के साथ भी कंपेयर करेंगे। ठीक है सर, चल रहे सर। जानल स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट लिखा हुआ जो स्कोप ऑफ आईएएस 33, स्कोप ऑफ आईएएस 33 का मतलब है IAS 33 applies only to public traded entities, publicly traded entities, or those which are about to be publicly traded. A public traded entity is an entity whose shares are ESL में मतलब इस सारी स्टोरी का ये है कि public listed companies पे ये applicable. Listed companies कौन सी होती हैं? ऐसी कंपनी जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, एसईसीपी में तो सारी रजिस्टर्ड है, हर कंपनी ने एसईसीपी में रजिस्टर होना, चाहे वो पब्लिक है, प्राइवेट है, अनलिस्टेड है, रजिस्ट्रेशन तो सबने करवानी है। लेकिन उनमें से जो पब्लिक कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगी वो लिस्टेड कंपनीज कहलाती हैं। तो सिर्फ पब्लिक कंपनीज ही लिस्ट हो सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज के पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो लिस्ट नहीं हो सकते। लेकिन पब्लिक कंपनीज भी फिर दो तरह की होती हैं, लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज। मतलब कंपनीज की दो मेन कैटेगरीज पहले कर लेते हैं, एक है पब्लिक कंपनी और एक है प्राइवेट कंपनी। फिर पब्लिक कंपनीज में दो तरह की हैं, लिस्टेड है, लिस्टेड का मतलब अनलिस्टेड, या नॉन लिस्टेड का मतलब है जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज नहीं हो। अगर आपने अपने कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज करवाना है तो पहले आपने अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना है, फिर शेयर्स की ट्रेडिंग हो सकती है। तो दो मेन कैटेगरीज कौन सी हैं, पब्लिक प्राइवेट, और पब्लिक में लिस्टेड अनलिस्टेड। बाकी इनकी डेफिनेशंस वगैरह क्या है वो फिर लॉ की स्टोरी है, कंपनी लॉ में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो मैं आपसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, ये बना लें, इधर पेज के स्टार्ट बना लें, ये पिछले पेज पर देखें। लिमिटेड कंपनी से सारी, फिर वो
प्राइवेट लिमिटेड भी हैं, पब्लिक लिमिटेड भी हैं, कुछ अनलिमिटेड कंपनीज भी हो, उसका कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन वो बहुत रेयर है। अब ये भी स्टोरी मेरा ख्याल है कि जरूरत पड़ेगी कभी डिस्कस कर दूंगा, वरना लॉ में शायद पता चल जाए। लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, शायद अकाउंटिंग में भी जरूरत नहीं है, फिर इंशाल्लाह किसी से। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड भी है, पब्लिक लिमिटेड इन सबके साथ है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, कंपनीज लिमिटेड भी हैं, अनलिमिटेड भी लॉ के मुताबिक है, हो सकती है लेकिन बहुत कम है, उसमें भी एक साइंस है, देखते हैं कभी जरूरत पड़े तो। ये स्टैंडर्ड किस पे एप्लीकेबल है सर? पब्लिक लिस्टेड कंपनीज पे, तो ये भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग एक है प्राइस अर्निंग रेशियो एंड अर्निंग्स पर शेयर। स्टॉक एक्सचेंज में एक तो जिस तरह मैंने बीपीएस बताया आपको कि लोगों में बड़ी मशहूर रेशियो है, इसी तरह एक और रेशियो भी है प्राइस अर्निंग रेशियो। और ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ये भी डिपेंडेंट है ईपीएस की कैलकुलेशन पे। तो क्या मतलब है, अगर आप आगे पढ़ेंगे, अर्निंग्स आर प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स, वर्ड आएगा शायद बार बार, इक्विटी होल्डर्स का मतलब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अभी 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 थोड़ी देर पहले कहीं देखा, ना चाहते हुए भी देखा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी होते हैं। अगर मैं कभी सिर्फ शेयर वर्ड बोलूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी शेयर, और कभी अगर वर्ड आपके सामने इक्विटी शेयर होल्डर आया वर्ड, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की बात हो रही है। तो इक्विटी होल्डर्स मीन्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स का मतलब है प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स। एक सेकंड के लिए जरा वॉल्यूम बंद दोबारा खोलें, रेशियो नंबर 18 ढूंढ के जरा पेज नंबर बताएं। पेज 174 पे रेशियो नंबर 18 के वर्ड्स बोलने शुरू करें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कौन सा डिविडेंड, और इसके ऊपर मैंने आपको लिखवाया होना है कि ये माइनस करके प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आ जाता है। तो ये जो हम ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके स्टार्ट पे एक वर्ड आया अर्निंग, तो अर्निंग का मतलब है वो प्रॉफिट जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट कौन सा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए कौन सा प्रॉफिट बचेगा जो आफ्टर टैक्स भी होगा, और अगर इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो उनका डिविडेंड भी माइनस हो गया होगा। क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस होके आया होगा? वो तो फाइनेंशियल चार्जेस की तरह ही है। ढूंढने जरा पेज नंबर 176, आप लोगों ने देखा नहीं, मैंने बड़ी पॉइंट रखी थी, आप लोगों ने ना सरसरी देखा ना वैसे देखा, अगर देखा तो ढूंढने जरा वहां, बल्कि इधर ही लिखा होगा अपने आंसर में लिखा होगा पेज 176 वाला। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कहाँ लेस हो जाता है? फाइनेंशियल चार्जेस में शामिल होकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ऑलरेडी लेस हो गया होता है, और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस हो जाए तो जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट कहलाता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इसका मतलब फिर ये बना के वापिस आ जाओ, फिलहाल बंद कर दे बुक, वॉल्यूम टू खोल। ये जो ऊपर अर्निंग वर्ड हमने पढ़ा है, थोड़ा सा इस वर्ड को अगर और खोल लिया जाए तो अर्निंग से यहाँ क्या मतलब है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। मैं अगर शेयर्स वर्ड बोलूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी शेयर्स। आ रहे वापस जहां पढ़ रहे थे, अर्निंग पर शेयर इज द मेजरमेंट, इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ अर्निंग इन द फाइनेंशियल पीरियड फॉर ईच इक्विटी शेयर। एंड व्हाट इज द मीनिंग इक्विटी शेयर? एज इट्स नेम इंप्लाइज, ईपीएस इज कैलकुलेटेड एज अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और कौन सा नंबर ऑफ शेयर्स? ऑर्डिनरी शेयर्स। अब आ जाए जरा प्राइस अर्निंग रेशियो, ये एक और फॉर्मूला है और बड़ा इंटरेस्टिंग सर। प्राइस अर्निंग में दरम्यान में एक स्लैश बना हुआ है, और शायद ये स्लैश से बताया जा रहा है फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा। प्राइस डिवाइड बाय
अर्निंग, द प्राइस अर्निंग रेशियो इसकी एक एब्रीवेशन है, पीई रेशियो, पी स्लैश ई रेशियो. पी स्टैंड्स फॉर प्राइस, ई स्टैंड्स फॉर प्राइस अर्निंग रेशियो इज आल्सो अ की स्टॉक मार्केट रेशियो. इन्वेस्टर जो है वो ईपीएस के साथ साथ प्राइस अर्निंग रेशियो को भी इंपॉर्टेंस देते हैं. क्यों देते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा. इट इज अ मेजर ऑफ द कंपनीज करंट शेयर प्राइस. जो पी लिखा हुआ था प्राइस, वो बेसिकली क्या चीज है, करंट शेयर प्राइस मीन्स करंट मार्केट प्राइस इन रिलेशन टू द ईपीएस. द ईपीएस रेशियो इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. फाइनली द व्हाट इज द फॉर्मूला. ये जो पी था, ये पी प्राइस था, कौन सी प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर उठाई जाती है और डिवाइड बाय अर्निंग, का मतलब यहाँ अर्निंग पर शेयर. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर. लेकिन बट जरा कम से कम करके कितने शॉर्ट से रह गए, प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर और डिवाइड बाय ईपीएस पर शेयर. इसे कैलकुलेट क्या हो गया मैं बताता हूँ. लेकिन मार्केट प्राइस पर शेयर से मुराद क्या है, जितने पे शेयर इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, मार्केट प्राइस पर वन शेयर. और डिवाइड बाय ईपीएस पर शेयर मीन्स एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है. तो मार्केट प्राइस कहां से मिला करेगी, अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग मार्केट प्राइस कहां से मिलेगी, स्टॉक एक्सचेंज से. और ईपीएस कहां से कैलकुलेट हो जाएगी, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपके सामने स्टेटमेंट और नंबर ऑफ शेयर्स हो तो आप ईपीएस कैलकुलेट कर लेंगे. अब एक फिगर से जीम नहीं, एक और से देखा, लेट्स जीम 46 क्या है, सर जी बोलने क्या है यार, 23 रुपए क्या है, ये आंसर आ जाएगा टू टाइम्स. क्या चीज किसका कितने टाइम्स है, मार्केट प्राइस इज टू टाइम्स ऑफ अर्निंग पर शेयर. इससे पता असल में क्या चल रहा है, ये बहुत से समझ रहा. इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करने से पहले ये रेशियो कैलकुलेट करके अपने सामने रख लेता तो बन जाए एक मिनट का इन्वेस्टर. इस कंपनी की एक शेयर की अर्निंग कितनी है, टाइम्स पैसे है आपको बात करनी है, एक शेयर की अर्निंग है 23 रुपए. आज अगर एक शेयर खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा, 40 रुपए. एक शेयर के गेंस कितना कमाया जा रहा है, 23 रुपए. और शेयर आज कितने का मिलेगा, तो अगर आप आज शेयर खरीदेंगे एक, तो वो 46 रुपए का आपको मिलेगा. अगर अर्निंग पर शेयर अगले 2 साल कांस्टेंट रही, तो हमारा ये 46 रुपए रिकवर हो जाएगा 2 सालों में. हम आज कितने का शेयर खरीदेंगे, ईपीएस इस साल की है या अगले सालों की, तो अगर ये ईपीएस कांस्टेंट रही अगले 2 साल कितने पे, तो अगले 2 सालों में 23 23 कितना हो जाएगा. तो ये 2 साल असल में ये बता रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट, ये 2 टाइम जो है वो ये बता रहा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट 2 सालों में रिकवर हो जाए. क्या इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर होनी चाहिए, लेट. फॉर एग्जाम्पल एक और कंपनी, उसके मार्केट प्राइस पर शेयर है 50 रुपए और अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए. 5 टाइम्स का मीनिंग असल में ये सालों को रिफ्लेक्ट कर रहा है. आज शेयर कितने का खरीदेंगे आप, अगर ये अर्निंग कितना अर्सा कॉन्स्टेंट रही, तो 5 साल में हमारी ये इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी. हायर द बेटर, लोअर द बेटर, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट रिकवर होनी चाहिए. तो ये जो टाइम्स है असल में पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं. पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट से बता, कितने अरसे में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी. पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब, आज हम पैसे लगाएंगे तो हमारे पैसे कितने अरसे में हमें वापस रिकवर होंगे, दिस इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड. हायर द बेटर, लोअर द बेटर. अब ये रेशियो जो है इसमें भी, क्योंकि ईपीएस यूज हो रही है और ये भी स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा कैलकुलेट होती है, तो एक तो ईपीएस की अपनी इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन फिर ईपीएस की फिगर ने प्राइस अर्निंग रेशियो में भी यूज होना है, तो देयर फॉर ईपीएस डबल इंपॉर्टेंट हो गई. ठीक हो गया. इससे पहले कि हम आप खुद से लिखें, इसे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, लेकिन आखिरी चीज ये बता दें, मैंने एक अजम्पशन ली है सारी स्टोरी में कि अगर ईपीएस फ्यूचर में कॉन्स्टेंट रही, ये अजम्पशन भी ले रहा हूँ,
हमें नहीं पता, कल हम लिमिटेशंस पढ़ रहे थे, ये हमने हिस्टोरिकल बेसिस पे वर्किंग कर ली है ईपीएस की, देन फिर ये एक अजम्पशन है कि इंशाल्लाह अगर फॉर एग्जांपल 2 साल या 5 साल ईपीएस कांस्टेंट रही तो हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। मीन्स उसे वंस अगेन इसकी भी लिमिटेशंस है कि फ्यूचर की प्रडिक्शन ही कर सकते हैं, फ्यूचर को सर्टेनिटी के तौर पर नहीं दिया जा सकता। बाकी फॉर्मूला भी कर लिया रिकॉर्ड लिखना, और ये जो मैंने एक दूसरी कंपनी की वर्किंग की है ये भी साथ नोट कर लेना। एक दफा अपने हाथ से फॉर्मूला लिखा बोल के, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो समय ये जो 2 टाइम्स है शायद ये ईयर्स को रिफ्लेक्ट कर। आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अगर कोई कंपनी 1 साल में रिकवर कर रही है तो नहीं, मतलब हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पे बैक पीरियड कम से कम हो। तो आपको प्राइस अर्निंग रेशियो का पता कैसे चलेगा? मार्केट प्राइस ढूंढनी पड़ेगी और ईपीएस ढूंढनी पड़ेगी, ये 2 चीजें चाहिए। तो 2 फॉर्मूले हो गए सर इस पेज पे। पहला फॉर्मूला ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? फिलहाल बेसिक जेन रखें, बाकी से एक्सपेंड करना भी हमें। अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला। नेक्स्ट कहते हैं ईपीएस इज यूज्ड बाय, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है मेरे पास, ईपीएस इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स एज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज इन विच दे हैव इन्वेस्टेड और माइट पॉसिबली इन्वेस्ट। कौन होंगे जो इन्वेस्ट कर चुके होंगे और कौन होंगे जो इन्वेस्ट करना? शेयर होल्डर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होंगे और जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं जिनको आप पैसे हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि कौन सी कंपनी की ईपीएस ज्यादा अच्छी है, फिर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। शेयर होल्डर्स जो होंगे वो भी देख रहे होंगे कि हमारी कंपनी की अगर ईपीएस अच्छी नहीं है तो बाकी कंपनी की अगर ज्यादा अच्छी है तो हम इसमें बेचें शेयर उधर जाए। प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स भी और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स दोनों इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करना, इन्वेस्टर्स आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन द चेंजेस इन, मसलन अगर मैं आपको कहूं 2022 में ईपीएस है 15 रुपए, बताएं अच्छी है बुरी है? मतलब आइसोलेशन में सही डिसीजन नहीं हो सकता, इसका कंपेरिजन होना चाहिए ये दूसरी कंपनी से भी, पिछले सालों से भी। मैं अगर आपको कहूँ 2021 में ईपीएस जो थी 100 थी, तो यहाँ से तरह सही डिसीजन हो सकता है कि परफॉर्मेंस खराब है। 2020 में फर्स्ट ये 10 रुपए थी, तो मतलब लग रहा है कि पहले शायद ऊपर इन्हांस हुई है फिर वापस आ गई, और कोई पता नहीं कि वापसी ही होगी। ठीक है, तो ट्रेंड और शायद जिसका कॉन्टिन्यूसली राइजिंग ट्रेंड होगा उसमें आप शायद प्रेफर कर रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट की जाए। जो है हैजर्ड्स है तो ये भी तो हो सकता है ना, बाई चांस ही प्रॉफिट बढ़ गया, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन कंपनीज थी कोरोना के दिनों में, मास्क एंड मेडिकल इक्विपमेंट के एकदम डिमांड बढ़ी, तो ये कोई वन ऑफ इवेंट भी हो सकता है जिसकी वजह से एकदम आपकी ईपीएस इंप्रूव हो गई या खराब हो गई। तो हम इन्वेस्टर्स किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं? सिर्फ आइसोलेशन में किसी एक साल की ईपीएस नहीं, उसके रेंज चेंजेस इन ईपीएस ओवर टाइम पिछले सालों के साथ कंपेरिजन होता है। EPS should therefore be calculated by all companies in a standard way so that investor can obtain a reliable comparison between standard banane ka maksad ye hai ki sab log ek hi tarike se EPS calculate kare taaki unki EPSs jo hai aapas mein comparable ho sake। EPS aur dusri cheez price earning ratio comparable ho sake। Ek nazar pura page padh lena, next page pe na jao, par ek nazar revise kar lena।
अभी फिलहाल पढ़ ले, फिर बाद में डिसाइड कर लेंगे किसमें याद करने वाली क्या चीज़ है। आ जाए नेक्स्ट पे। डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी शेयर इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सिंपली मीन्स एक सफा, लेकिन इक्विटी सफा, लेकिन ये है कौन सा सफा? दैट इज सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर क्लासेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सबके नीचे है? ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स के नीचे है सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ऊपर है ना सर? क्या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को सबसे एंड में डिविडेंड, सबसे एंड में पैसे वापस होंगे? तो ये इस एंगल से सबऑर्डिनेट लिखा हुआ, सब क्लासेस ऑफ शेयर्स के नीचे, सबसे एंड में डिविडेंड और सबसे एंड में लिक्विडेशन पे पैसे किसको वापस होते हैं? समझ आ रहे हैं ना? सबऑर्डिनेट प्रेफरेंस किसकी है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। उसमें फिर रिडीमेबल इरिडीमेबल वो बातें भी दोबारा आएंगी। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जरा बोल दें इतना क्या है। ऑर्डिनरी शेयर्स इन द ईपीएस कैलकुलेशन आर दोज एंटाइटल टू द रेजिडुअल प्रॉफिट्स का मीनिंग लिखें, रेजिडुअल का मतलब लिखना है रिमेनिंग। और रिमेनिंग वर्ड जरा पढ़ के सेंटेंस पूरा करें मेरे साथ दोबारा। द ऑर्डिनरी शेयर यूज इन द ईपीएस कैलकुलेशन आर दोज एंटाइटल टू द रिमेनिंग प्रॉफिट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिविडेंड्स रिलेटिंग टू ऑल अदर शेयर्स हैव बीन पेड। क्या रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर द अर्निंग्स? किसके बाद? सारे डिविडेंड्स देने के बाद, चाहे वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो या इरिडीमेबल प्रेफरेंस हो। इस पूरे पेज का ना मकसद वही है कि वो जो आपने जो वो टेबल्स पढ़े थे ना, वो जरा सही रिवाइज हो। तो मेरा ख्याल है मेजोरिटी चीजें शायद रिवाइज होनी है। टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बाय अ शेयर इन अ कंपनी टू अर्न डिविडेंड्स। बैकेट पढ़ा, व्हेन दिस पेमेंट इज कंसिडर्ड, क्या मतलब? हर साल ऑर्डिनरी शेयर सर, क्या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड जरूरी है कि मिले? कब मिलता है? जब मुनासिब लगता है, प्रूडेंट लगता है, अकलमंदी का तकाजा लगता है। अकलमंदी का तकाजा कब लगता है? जब रैशनल तकाजा कब होता है? जब प्रॉफिट्स का एक्सपेंशन के लिए ना रखना हो। या प्रॉफिट्स अगर हो भी जाए तो शेयर डायरेक्टर्स कह सकते हैं कि प्रॉफिट रख लेते हैं बाद में दे देंगे। तो कब डिक्लेयर होता है? जब ये फैसला हो जाए कि वाकई डिविडेंड देना प्रूडेंट है। अगर ये लग रहा हो कि ये पैसे अपने संभाल के रखने चाहिए, कोई बिजनेस एक्सपेंड करना है या कोई फॉर एग्जाम्पल कोई लाइबिलिटी सेटल करनी है फ्यूचर में, तो क्या स्पेसिफिक जनरल रिजर्व भी इसमें से क्रिएट हो जाता है? डिविडेंड देने के बजाय रिजर्व भी क्रिएट हो जाता है। तो डिविडेंड कब दिया जाता है? जब उसका देना रैशनल हो, देना चाहिए। जब हर साल नहीं फिक्स होता। दोबारा सेंटेंस शुरू करें। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बाय अ शेयर इन अ कंपनी टू अर्न डिविडेंड एंड फॉर कैपिटल ग्रोथ। अब इस कैपिटल ग्रोथ क्या है? हाँ जी, एक नहीं मतलब मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर आप कुछ शेयर खरीद रहे हैं और खासतौर पर अगर लिस्टेड कंपनी का शेयर है, तो लेट्स से 50 रुपये का आपने एक शेयर खरीदा है, 50 रुपये पर शेयर। अब आपकी दो ख्वाहिशात होंगी। नंबर एक, एक तो रेगुलर डिविडेंड्स मिले, इंटरम मिले, इंटरम मिले, फाइनल मिले, बोनस मिले, कैश मिले, एक ये ख्वाहिश होगी आपकी। दूसरी ख्वाहिश ये होगी आपकी कि ये मैंने शेयर 50 रुपये का पे खरीदा है, इसकी वैल्यू मार्केट में बढ़े। वैल्यूज भी बढ़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 50 रुपये का शेयर मेरा 500 का हो जाए, 200 का हो जाए, 100 का हो जाए, तो अब ये जो 50 से ऊपर जितना बढ़ेगा इसे कहते हैं कैपिटल ग्रोथ। ये जो प्राइस बढ़ी है स्टॉक एक्सचेंज में, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल ग्रोथ। और जो डिविडेंड मिलेगा वो तो डिविडेंड है, तो ये जो प्राइस में इंक्रीज आ रहा है इसको क्या कहा जाता है? कैपिटल ग्रोथ। तो शेयर होल्डर की क्या क्या ख्वाहिश होती है? कि डिविडेंड भी मिले और कैपिटल ग्रोथ हो, मतलब शेयर प्राइस बढ़े, इंक्रीज इन शेयर प्राइस। जी सर,
नहीं सर, अगर आपके खरीदने के बाद इस कंपनी के हालात ही इंप्रूव हो जाए, तो आपकी बरकत से अगर कंपनी ग्रोथ में चली जाए और एबनॉर्मल प्रॉफिट शुरू हो जाए, तो लोग 500 रुपये भी क्या है इस वक्त, जो कई कंपनीज ऐसी हैं कि 2-2 हज़ार रुपये का एक शेयर बिक रहा है। नहीं मतलब ये नेस्ले इस तरह की जो कंपनीज है, मार्केट प्राइस और चीज है, नॉमिनल वैल्यू और चीज है। मैं नॉमिनल वैल्यू की बात नहीं कर रहा, क्या आप शेयर नॉमिनल वैल्यू पे खरीदते हैं या मार्केट वैल्यू पे? क्या नॉमिनल वैल्यू पार वैल्यू के बराबर हो सकती है? क्या नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू बराबर हो सकती है? वो तो होती ही बराबर है, वो तो होती एक ही चीज है। मार्केट वैल्यू पार वैल्यू के बराबर भी हो सकती है, मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, और मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है। लेकिन किसके तीन नाम बोले मैंने? तो वो तो इशू प्राइस है ना, मतलब सॉरी वो तो रजिस्टर्ड प्राइस है। नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू या फेस वैल्यू, ये तो 10 है, लेकिन मार्केट वैल्यू में भी डिफरेंट फ्रॉम द नॉमिनल वैल्यू। तो आप नॉमिनल वैल्यू पे नहीं खरीदेंगे, मार्केट वैल्यू पे खरीदेंगे, और मार्केट में वैल्यूज बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। जी सर, दोबारा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बाय अ शेयर इन द कंपनी टू अर्न क्या क्या जी टू डिविडेंड्स एंड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, दीज डिविडेंड्स फ्लक्चुएट एनुअली डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिट्स एंड अवेलेबल कैश। हो सकता है एज द टर्म ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस एम्प्लॉयज, द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैव फ्यू राइट्स देन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। किनके पास ज्यादा राइट्स है? बाय एन इलस्ट्रेशन, अज्यूम दैट अ कंपनी हैज विद बोथ प्रेफरेंस एंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इज लिक्विडेटेड, मींस वाइंड अप। वाइंड अप मींस बिजनेस बंद हो रहा है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल हैव देयर कैपिटल रिटर्न्ड फर्स्ट एंड ओनली इफ देयर सफिशिएंट फंड्स लेफ्ट ओवर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स विल हैव देयर कैपिटल पेड आउट। किसका पहले फिर किसका? इस एंड में कोई नई चीज? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव मोर राइट्स देन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। नॉट ओनली डू दे हैव प्रेफरेंस ऑन लिक्विडेशन, बट दे आल्सो हैव अ फिक्स्ड अमाउंट पेड आउट ईच ईयर इन डिविडेंड्स एज अपोज्ड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स whose dividends are at the discretion, मतलब free of the entity and are largely dependent on the profits and available cash reserves. किसका dividend fixed है, किसका dividend discretion पे? The rate of dividends paid out is based on the preference shares rate. For example, 10%, 12%, 15%, यहाँ 10% लिखा हुआ। A shareholder owning having 1000 preference shares with a par value of 2 each, ek second yahan ruk jaye, normal par value to 10 rupees hai, lekin aapne bahut se questions aise bhi kiye hain jisme 100 rupees ka bhi ho gaya tha, to question ke mutabik decision le, yahan par value kitni rakhi hui, normal halat 10 hi hain, lekin 10 se different bhi game ho sakti hai, according to question aapne chalna, yahan usne par value kitni rakhi hai 2 rupees एंड रेट ऑफ 10% विल एक्सपेक्ट डिविडेंड। मतलब इसका ये दोबारा पढ़ें पिछले से, अगर किसी शेयर होल्डर के पास एक हर प्रेफरेंस शेयर है और 2 रुपये पर शेयर उसकी पार वैल्यू है और रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, तो यहाँ रुक एक और चीज रिवाइज करने जरा, ये डिविडेंड का जो रेट होता है ये हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई होता है। डिविडेंड इज गिवन एज अ परसेंटेज, then the percentage is multiplied by the nominal value of the share capital at the date of issuance, at the date of announcement of the dividend, wo jo rate hota hai, rate ne hamesha kisse multiply hona, share capital se, agar premium hoga to wo leta hota, to rate lag raha hai nominal value of shares, to wo preference share se bhi hai, means to say agar 1000 preference shares hai, 2 rupaye par value hai, to 2000 kya hai preference shares ki nominal value ya par value, और अगर 10% डिविडेंड है तो 200 रुपया ये शेयर होल्डर प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सपेक्ट करेगा। वर्किंग हुई भी अगली लाइनों में, आप अपने हाथ से साथ देखो, व्हाट इज द, पढ़ लेना, पढ़ने का ध्यान से, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 2 के है, 2000 के है, पार वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10% क्या है, डिविडेंड रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देयरफॉर 200 रुपया क्या है प्रेफरेंस डिविडेंड। ये भी प्रेफरेंस के एंगल से वर्किंग हुई है, मैंने बीच में ऑर्डिनरी की बात इसीलिए की है कि वो कॉन्सेप्ट मिलता जुलता, ऑर्डिनरी हो या प्रेफरेंस डिविडेंड हो,
रेट किससे मल्टीप्लाई होगा? पार वैल्यू से, पार वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ शेयर से, चाहे वो ऑर्डिनरी हो या प्रेफरेंस। एनी करके ये किसकी बात हो रही इस पैराग्राफ में? जॉन सर तो फिर तो नहीं बढ़ा रहा सर। देन एक नई चीज बीच में आ रही है इस फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में। The shareholder's rights to dividend depend on whether his shares were preference shares की बात हो रही है। यकीनन preference shares की एक classification हमने पहले पढ़ी हुई है, redeemable and irredeemable। यहाँ उनकी एक और classification आ रही है, फिर दोनों को mix भी करेंगे। पहले अब ये classification जरा देखना। Shareholder's right to dividend depends on whether the shares are प्रेफरेंस शेयर्स कम्युलेटिव भी होते हैं और नॉन कम्युलेटिव भी होते हैं। कम्युलेटिव का बेटा मीनिंग ये है कि अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो मतलब इसका ये है कि अगर किसी साल में लॉस की वजह से डिविडेंड ना मिल सके और प्रेफरेंस शेयर्स कम्युलेटिव हैं तो पिछला जो डिविडेंड नहीं मिल सका लॉस की वजह से वो भी मिलेगा उन सालों में जिन सालों में प्रॉफिट हो जाए। रिपीट कर देंगे मैंने क्या बोला? अगर पिछले सालों का डिविडेंड किसी वजह से नहीं मिल सका और अगले सालों में मिलना है तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन कम्युलेटिव फिर क्या होंगे? अगर किसी साल डिक्लेयर हो गया तो ठीक है और अगर किसी वजह से नहीं दिया जा सका तो फिर पिछला नहीं बस अगला ही मिलेगा। किसकी बात हो रही है? प्रेफरेंस शेयर्स की। कौन सी दो टाइप्स यहाँ हो गई? अब आगे पढ़ लेना। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इंडिकेट दैट डिविडेंड वाज नॉट पेड आउट इन अ पर्टिकुलर ईयर। क्यों? फॉर एग्जांपल परहैप्स ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स। दीज एरियर डिविडेंड्स का मतलब पुराना पिछला डिविडेंड मस्ट बी पेड आउट इन फ्यूचर टू द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स व्हेन फंड्स बिकम अवेलेबल। No dividend may be paid out to ordinary shareholders until the earlier preference dividend has been paid. इसका क्या मतलब? अगर cumulative preference shareholder होंगे तो उनको पहले पिछला भी और अगला भी अगर मिलेगा तो उसके बाद ordinary की बारी है। अगर for example 2020 में भी नहीं मिला, 2021 में भी नहीं मिला, 2022 में भी नहीं मिला और 2023 आ गया, तो एक मिनट, अब 2023 में पहले 20 वाला भी, 21 वाला भी, 22 वाला भी और 23 वाला भी उनको पहले मिलेगा और जो जो बचेगा वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर घर में रहेगा। इंशाल्लाह बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, इंशाल्लाह सारा बचेगा। क्या हो गया? उनका तो 10% रेट है, इंशाल्लाह जरूर बचेगा, इंशाल्लाह जरूर बचेगा, सारा हमारा होगा। लेकिन वेट करने कोई इशू नहीं, सब्र का फल मीठा होगा। पिछला सारा भी पे होगा तो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से बारी है। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? Non-cumulative preference shares are those where if a dividend is not paid out in a year, these unpaid dividends need never be paid. अगर 2020 में नहीं मिला, 21 में नहीं मिला, 22 में नहीं मिला और non-cumulative थे तो 23 में बस 23 वाला मिलेगा। पिछला अगर खत्म हो जाएगा तो कौन से है और अगर पिछला भी मिलेगा तो कौन से? एक नजर देख लें, कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, लेकिन इधर ही रहेगा। बाकी जितनी बातें आपके ज़हन में आएंगी वो इंशाल्लाह सारी एड्रेस हो जानी है। और आई होप के कुछ अच्छे से अब आपका वो क्वेश्चन खत्म हो गया, अगर वो हो जाए तो। लेकिन इस टॉपिक के स्टार्ट भी हो सकता है आपके ज़हन में आ जाए, वो हो जाए तो थोड़ा दिन उठेगा, फिर इंशाल्लाह मैं पूछूंगा आपको कुछ रहता नहीं है। फर्दर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेफरेंस शेयर्स। क्या ये हमें पता है? लेकिन एक बार दोबारा पढ़ लेते। अच्छा, नॉन रिडीमेबल सिंपली मीन्स रिडीमेबल। रिडीमेबल मीन्स वैसे क्या? रीपे, ऐसे पैसे जो वापस करने हैं।
ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस रिडीमेबल के बारे में डिसाइड हुआ था, ये लोन ही है, ये लॉन्ग टर्म लोन ही की तरह है, और इरिडीमेबल मतलब ड्यूरिंग द लाइफ वापस नहीं करना है, लिक्विडेशन पे वापस करने होंगे, शायद उसी तरह जिस तरह ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पैसे। रिडम्पशन ऑफ अ शेयर, रिडम्पशन ऑफ अ शेयर इन्वॉल्व्स कंपनी रिटर्निंग द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर टू दिस शेयर होल्डर एट सम टाइम इन फ्यूचर। 5 साल हो सकते हैं, 10 साल, 15 साल, लेकिन कोई ना कोई टर्म जरूर होगी। शेयर्स दैट आर रिडीमेबल शुड बी क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी इंस्टेड ऑफ एज इक्विटी। कहाँ नजर आएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में? नॉन करंट लाइबिलिटीज में रादर देन इक्विटी। इन विच केस द रिलेटेड डिविडेंड विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फाइनेंशियल चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंस्टेड ऑफ डिविडेंड एज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पैसे नजर आएंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज में इक्विटी की जगह, और डिविडेंड नजर आएगा फाइनेंशियल चार्जेस में रादर देन रिटेन्ड अर्निंग्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस। इसकी बात हुई है रिडीमेबल या इरिडीमेबल। Point to remember, as suggested already, अभी जो पिछले पैराग्राफ में बात हुई है, some preference shares are recognized as liabilities rather than equity, and their dividends are recognized as financial charges instead of dividend. In these instances, even if the dividend has not been declared at the end of the reporting period, यहाँ से तो underline कर लें और full concentrate कीजिएगा। अभी तक हमें क्या पता है कि डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो फिर पेबल बनता है, और अगर डिक्लेयर ही ना हो, अगर डिक्लेयर ही ना तो एंट्री नहीं होती, अभी तक हमें यही पता है। लेकिन ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनका जो डिविडेंड है वो बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह। तो पहले जरा एक सेकेंड इंटरेस्ट की तरफ आ जाए। अगर इस साल आपने कोई लोन लिया है तो क्या इंटरेस्ट डिक्लेयर होगा तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे? इंटरेस्ट ही तो डिक्लेरेशन ही, टाइम गुजर जाएगा तो टाइम गुजरेगा उस हिसाब से, अगर आपने इंटरेस्ट नहीं भी पे किया तो लाइबिलिटी बन एक्सपेंस डेबिट पेबल कर। तो क्योंकि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लोन की तरह है, इसलिए चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड इनका रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर ना भी हो तो जिस अक्रूअल बेसिस पे अदरवाइज इंटरेस्ट रिकॉर्ड होता है उसी तरह रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का भी प्रेफरेंस डिविडेंड अक्रूअल बेसिस पे हर साल रिकॉर्ड होता है वेदर और नॉट डिक्लेयर्ड। कौन सी चीज क्या ही है, देयरफॉर उनका डिविडेंड इंटरेस्ट की तरह ही रिकॉर्ड होता है, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस करने हैं लोन की तरह है, इसलिए जिस तरह उनका इंटरेस्ट अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है इसी तरह इनका प्रेफरेंस डिविडेंड भी अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। अब ये ध्यान रखते थर्ड लाइन से दोबारा, इन दीज इंस्टेंसेस, ये किस इंस्टेंस में बात हो रही है, रिडीमेबल लायबिलिटी, इवन इफ द डिविडेंड हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड द डिविडेंड विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फाइनेंशियल चार्जेस ऑन जस्ट लाइक। ये सिर्फ किसकी बात हुई इस पैराग्राफ में, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, लिखना जरा एंड में बैठ। रेट बेटा वही होगा जो क्वेश्चन में बताया जाएगा। अब ये जो जहां तक हमने बहस की है, इस बहस के बाद अब आए कि हम अर्निंग शेयर पर शेयर की वर्किंग स्टार्ट करें। अर्निंग्स पर शेयर दो तरह की है, क्या चीज कितनी तरह की है, एक है बेसिक, एक है डाइल्यूटेड। जैसा शायद केमिस्ट्री में कुछ होता था, तो अभी तक मैंने आपके सामने जितनी बातें रखी हैं वो बेसिक एंगल्स रखी हैं। बेसिक मींस नथिंग, असल में इसकी दो टाइप्स बना दी गई हैं, इसलिए किसी एक को बस बेसिक कह दिए। ईपीएस की कितनी टाइप्स है, कौन कौन से, अब नाम रखने के लिए किसी एक को बेसिक कह दिए, किसी दूसरे, मतलब इस बेसिक में कुछ नहीं छुपा हुआ। ईपीएस दो तरह के, बस सिंपली उसका नाम क्या है, एक बेसिक है एक डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड की ना मैंने अभी तक बात की है,
और ना ही अभी शायद मैंने आज कोई करनी है। अभी तक जितनी बातें हुई हैं और आज जितनी भी होंगी वो सारी क्या है, वो बेसिक से रिलेटेड। तो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये बेसिक कोई कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं है, जब इंशाल्लाह हम डायल्यूटेड पढ़ लेंगे तो आपको इंशाल्लाह बड़े आराम से फर्क महसूस होगा। सिंपली फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट अर्निंग पर शेयर, लेकिन कौन सी अर्निंग पर शेयर, बस बेसिक। अब इससे आगे बेसिक की कोई सेंस की जरूरत नहीं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब मैं थोड़ी देर पहले आपको रेशियोज में लेके गया था, रेशियो नंबर 18 पे, तो यही जो वर्ड्स लिखे हैं अब इनको जरा फर्दर डिटेल में एक फॉर्मूला बना के लिखता हूं। अर्निंग्स मींस क्या, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग अ पीरियड। क्या देख के आया था ऑपरेशन नंबर 18, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। यहां क्या वर्ड्स है, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अभी फर्दर भी खोल लेंगे, लेकिन एक सेंटेंस हिस्सा भी बन सकता है, नेट लॉस, नेट लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट की जगह नेगेटिव फिगर भी हो सकती है। तो अर्निंग पर शेयर नेगेटिव हो सकती है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव हो सकती है, लॉस के केस में नेगेटिव हो जाएगी। 1,00,000 रुपए का लॉस है डिवाइड बाय 10,000 शेयर, हर शेयर पे क्या कमाया, 10,000 के लिए 10,000 क्या कमाया, नेगेटिव अगर आंसर हो जाएगा तो लॉस पर शेयर, पॉजिटिव आंसर क्या होगा, प्रॉफिट पर शेयर, और अगर नेगेटिव आंसर है तो लॉस पर शेयर भी हो सकता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड जो हमें ढूंढने हैं, हमें नेट प्रॉफिट या लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर और डिवाइडेड बाय, परेशान हुए बगैर वर्ड्स पढ़ने, डेफिनेटली अभी नहीं को एक्सप्लेन करना हमारा काम रहेगा, वेटेड एवरी नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ड्यूरिंग द पीरियड। शॉर्ट वर्ड्स के हैं अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिटेल वर्ड्स ऑफ अर्निंग के हैं प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द ईयर, वेटेड एवरी नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें जो वेटेड एवरी वर्ड आ गया है इंशाल्लाह भी एक्सप्लेन करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले 2-3 पॉइंट्स और ध्यान में रखना। प्रॉफिट शुड बी बिफोर डिडक्टिंग ऑर्डिनरी डिविडेंड, फुल कंसंट्रेट करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी आसान आसान सी बातें सही कॉन्टेक्स्ट जरा क्लियर करने, बाकी इंशाल्लाह वर्किंग में कोई इशू नहीं है। वो कहता है प्रॉफिट शुड बी बिफोर डिडक्टिंग ऑर्डिनरी डिविडेंड, मैंने कहा माइनस करके आना, मेरा ख्याल है कि जब आपने दोबारा जरा जाए वो वॉल्यूम वन में, जब आपने रेशियो नंबर 18 के एंगल से मेरी बहस सुनी होगी तो मैंने वहां एक छोटा सा रिटेन्ड अर्निंग से कॉलम बनाया होगा, ढूंढिएगा बना होगा नंबर वही जिसमें रेशियो नंबर नहीं, वॉल्यूम नंबर वही 18 के इर्द गिर्द बनाया होगा, ये वहां बनाया होगा जहां आप लिख रहे थे, नहीं बनाया, बोर्ड पर देखें इसलिए रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम। ब्रॉड डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकती है, फॉर एग्जांपल 100, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता है, कहां से आएगा ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से, लेट्स अज्यूम 50, क्या इस 50 में से रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हो गया होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हो गया होगा, लेकिन इसमें से अगर कौन सा डिविडेंड लेस नहीं हुआ होगा, तो लेट्स सेम इज रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है, सपोज टाइम ऐड हो जाएगा लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा, देन इसके बाद ऑर्डिनरी डिविडेंड हो सकता है, सर ये हो सकता है, लेट्स सेम 5 है। आप बताएं बोर्ड पे देख के, व्हाट इज द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, जाने दें और जाने दें, 35। अब दोबारा जरा सेंटेंस पढ़े जो भी पढ़ने लगे थे, द प्रॉफिट शुड बी, ये जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है इसमें से सब कुछ माइनस हुआ होना चाहिए,
सवाय किससे? सवाय अपने डिक्रेडिट। आप सही कह रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस ओनली इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब इसका ये कि हमारे लिए बचा क्या, कितना बचा था हमारे लिए? 40। हाँ, उस 40 में से फिर हमें मिला क्या? फिलहाल 5 मिला, बाकी अभी 35 पड़ा। समझ आती प्लीज? तो सब कुछ मींस सारे डिविडेंड, सारे रिडीमेबल इरिडीमेबल डिविडेंड माइनस हो जाना चाहिए, सवाय किसके? ऑर्डिनरी डिविडेंड। अब चलने समझ आता? ये जो प्रॉफिट आपने उठाना है अर्निंग्स में, इसमें से बस कौन सा डिविडेंड माइनस नहीं हुआ होना चाहिए? इन अदर वर्ड्स, बस कहां तक माइनस हुआ होना चाहिए? इरिडीमेबल प्रेफरेंस। तो दिस 40 इज द अर्निंग्स एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। मेरा ख्याल ये बना लें कहीं, पेज नंबर 186 पे, ये जहां पे आप वॉल्यूम 2 में देख रहे हैं सर। हर वक्त पढ़ाई की बातें, हर वक्त आपकी जिंदगी में पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं। मॉर्टल स्पा भी लेके जा रहे हैं सब बैठ। ये सर नोट हो गए सर। जी जी, प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नहीं नहीं वो फिर लॉस, अगर फॉर एग्जांपल लॉस हुआ पहले और उनको फॉर एग्जांपल कोई डिविडेंड, वैसे तो इनको नहीं दिया जाता, ये इरिडीमेबल है। मैं आता हूँ जरा डिटेल में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है ना, उन्हें इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिविडेंड दिया जाता है। ये इररिडीमेबल वालों का डिविडेंड प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट है, इसीलिए तो फिर ये कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव में भी इकट्ठा करते हैं सर। अभी इंशाल्लाह इकट्ठे करके बात करता हूँ। जी सर, ये 3 पॉइंट्स आए थे। नंबर 1 फाइनल हो गए। क्या फाइनल हुआ? इस प्रॉफिट में से कौन सा डिविडेंड माइनस नहीं होना चाहिए? नंबर 2, इन द इवेंट दैट एंटिटी रिपोर्ट्स अ लॉस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, the earning per share will simply be a loss per share instead. Positive figure agar negative hai to negative figure will be called as loss per share. And this ratio is different from dividend per share. Kya formula dividend per share ka bhi koi ho sakta hai? Usi box mein, usi column mein. Agar aap ordinary shareholder ke angle se ye calculate karna chahenge, what is the amount of dividend per share, to batayenge formula kya banega? डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अमाउंट ढूंढ के बताएं कौन सी अमाउंट होनी चाहिए? 5। हम डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? अर्निंग पर शेयर। क्या जरूरी है जितना प्रॉफिट हुआ वही डिविडेंड हो? क्या हो भी सकता है? वैसे हो तो सकता है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। क्या चीज और क्या चीज फर्क हो सकती है? कमाई और डिविडेंड डिफरेंट हो सकती है। तो हम डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं या अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं? हम अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं। देयरफॉर हमारे फॉर्मूले में प्रॉफिट आना है एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। कोई कंफ्यूजन? अब आ जाए जरा, बेसिक अर्निंग मींस सिंपली अर्निंग्स। अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट होंगी? मुसलसल हम बात तो करते जा रहे हैं, लेकिन आज एक फाइनल फॉर्मूला लिखा हूं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अर्निंग्स एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, One should start with the net profit for the year. कहां से मिलेगा? Net profit for the year. As per statement of comprehensive income and deduct the
profits attributable to ए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इफ एनी मीन्स, नीचे फाइनल फॉर्मूला बन गया, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? अगर टैक्स है ही नहीं तो जो बिफोर टैक्स है वही आफ्टर टैक्स है, और अगर टैक्स है तो स्टार्टिंग पॉइंट आसान से वर्ड्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस कंसंट्रेट फुल लेस क्या प्रेफरेंस डिविडेंड रिलेटेड टू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल किधर गया? ये हमेशा याद रखना है, बार बार बात करूंगा हमेशा याद रखना। तो अब ये जो लेस करके फाइनल फिगर आएगी दिस विल बी कॉल्ड एज अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ये फॉर्मूला देख के तो फाइनली बोल रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और लेस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स टू गेट द प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट प्रेफरेंस डिविडेंड्स रिलैक्स रहकर पढ़ना आर इनफैक्ट नॉट ऑलवेज डिडक्टेड। क्यों अभी आ रहे जब हम एक सवाल उठा, क्या सवाल उठा? कहते हैं प्रेफरेंस हमेशा डिडक्ट नहीं करेंगे, क्यों? आगे डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू डिडक्ट द प्रेफरेंस डिविडेंड्स डिपेंड ऑन वेदर द शेयर्स आर कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव, इसे क्या फर्क पड़ता है? द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी हेल्पफुल व्हेन डीलिंग विद इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए ऊपर या पिछले पेज पे कर जाए जहां एक पॉइंट टू रिमेंबर आया आखिरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर है तो उनका जो डिविडेंड है वो तो लेस होना ही होना है चाहे डिक्लेयर हो या ना हो। तो ये जो कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव की स्टोरी है ये इररिडीमेबल के लिए, उसका तो डिविडेंड इंटरेस्ट की तरह लेस होना ही है, लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स असल में फर्दर कम्युलेटिव भी होते हैं और नॉन कम्युलेटिव होते हैं। कम्युलेटिव क्या होते हैं वैसे ही जो भी वर्ड आपको पता है बता देना। अगर किसी साल में डिविडेंड ना भी दे सके तो अगले सालों में देंगे, और नॉन कम्युलेटिव क्या है? अगर किसी साल नहीं दिया तो नहीं देंगे। तब ये जो आपने मुझे बताया और से जहन रख के पढ़ना। फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी हेल्पफुल व्हेन डीलिंग विद द इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डिडक्ट ओनली द प्रेफरेंस डिविडेंड दैट आर डिक्लेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पीरियड। अगर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, नॉन कम्युलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो उनका डिविडेंड आप अपने प्रॉफिट्स में से तभी लेस करेंगे अगर वो डिक्लेयर हुआ है। फर्ज करें अगर वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो वो देना भी नहीं है, इसलिए लेस कब करना है? अगर डिक्लेयर हुआ तो अगर इस साल नहीं डिक्लेयर हुआ तो अगले साल हो जाएगा, अगर अगले साल डिक्लेयर होगा तो अगले साल का ही होगा, अगर इस साल डिक्लेयर नहीं होगा तो इस साल का फिर नहीं देना, ये नॉन कम्युलेटिव। तो नॉन कम्युलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कब माइनस करेंगे? अगर वो डिक्लेयर हुआ होगा। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ढूंढा करेंगे। एंड नंबर टू, इन केस ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डिडक्ट द टोटल रिक्वायर्ड प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द पीरियड इन अकॉर्डिंग विद द प्रेफरेंस शेयर रेट, जो भी आ जाएगा, वेदर नॉट दीज डिविडेंड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। दाना आराम से वेदर नॉट डिक्लेयर्ड। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का वो कहता है रिक्वायर्ड जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उनके रेट्स की बेस पे वो आपने लेस करना ही करना है चाहे वो इस साल डिक्लेयर हो या ना हो। ये ऐसे क्यों है? क्या अगर डिक्लेयर ना भी हो तब भी देना है या तब नहीं देना है? डेफिनेटली कब देना है? देना तो अगले सालों में है, लेकिन क्या इवन देन देना है? देना एक्चुअली कब है? कंसंट्रेट करिएगा फुल जरा यहाँ। देखिए यकीनन मेरी बात पूरी सुनिए, यकीनन डिविडेंड देंगे तभी डबी डिक्लेयर हो। तो फॉर एग्जांपल 2022 में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का,
एंट्री कोई नहीं करेंगे आप, एंट्री तभी करेंगे जब डिक्लेयर होगा, लेकिन ईपीएस की वर्किंग करते हो, ईपीएस की कैलकुलेशन करते हो, ईपीएस की रेशियो कैलकुलेट करते हो, आप अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाएंगे और उसमें से इवन दो के वो डिक्लेयर नहीं हुआ होगा, वर्किंग करते हुए माइनस करके अर्निंग्स फाइंड आउट करेंगे। क्यों 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 भैया? क्योंकि दे देंगे। एंट्री कब करेंगे? वो तभी करेंगे जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो एंट्री यकीनन तब करेंगे जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा, लेकिन ईपीएस की वर्किंग करते हुए, ईपीएस एक फार्मूला है, इस फार्मूले की वर्किंग करते हुए अर्निंग्स में से कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर अगर है तो उनका डिविडेंड माइनस करेंगे ही करेंगे, वेदर नॉट इट इज डिक्लेयर, एंट्री कर देंगे या लेस कर देंगे अपनी वर्किंग में, वेदर नॉट डिक्लेयर। अब ये बाद में रिजन में कर देगा, पहले पैराग्राफ पे वापस आएगा। नॉन कम्युलेटिव का कब क्या करेंगे? डिक्लेयर होगा तो लेस करेंगे, और अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो देना ही नहीं, बाद में भी नहीं देना, लेकिन अगर नॉन कम्युलेटिव है तो फिर कब क्या कर देंगे, चाहे वो डिक्लेयर ना भी हो हर साल लेस कर देंगे। ईपीएस की वर्किंग करते हैं कम्युलेटिव वगैरह है, तो जिस साल से रिलेटेड है उस साल माइनस करके ईपीएस की वर्किंग करेंगे, और अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो एंट्री नहीं करेंगे। बार बार मैं बात कर रहा हूँ, एंट्रीज कब करेंगे? डेबिट क्रेडिट कब करेंगे? जब डिक्लेयर होगा, लेकिन ईपीएस की वर्किंग करते हुए वेदर नॉट डिक्लेयर्ड अपनी अर्निंग में से माइनस क्यों करेंगे? फाइनल बता दें क्यों करेंगे, क्योंकि देना ही था, देना ही है, अभी नहीं तब, अब नहीं तो तब, तब नहीं, नहीं अब नहीं, अब नहीं तो मीन्स फॉर एग्जाम्पल 2022 में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, कम्युलेटिव है, बताएं क्या करेंगे? इवन देन माइनस करेंगे। 2022 में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, नॉन कम्युलेटिव, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 2022 में नॉन कम्युलेटिव है, डिक्लेयर होगी तो माइनस करेंगे, सेंस समझ आ गई? तो व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला ऊपर दोबारा, प्रॉफिट और लॉस एट्रिब्यूटेबल शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। हाउ टू गेट द प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इज इक्वल टू अर्निंग्स एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। हाउ टू फाइंड आउट के जो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होना ही नहीं होना, वो डिपेंड्स के कम्युलेटिव है या नॉन कम्युलेटिव। एक नजर गौर से देख लें, कोई कंफ्यूज किसको गौर से देख लें, दूसरे को गौर से देखने शुरू करते, चलो आगे। इट शुड बी बॉर्न इन माइंड दैट वेयर द प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज लायबिलिटी इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देयर डिविडेंड वुड बी ट्रीटेड एज, इन व्हिच केस दीस डिविडेंड वुड हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड इन द कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, दीस मस्ट ऑब्वियसली नॉट बी डिडक्टेड अगेन while calculating the profit attributable to the, ये सिर्फ जो फर्दर डिविडेंड माइनस हो रहा है ये किसका माइनस हो रहा है? नहीं बेटा ऑर्डिनरी का कोई नहीं हो रहा, खुदा ऑर्डिनरी का हो रहा है, ये रिडीमेबल का हो रहा है, ऑर्डिनरी के भी तो होना है, ऑर्डिनरी के बगैर का। एक फाइनल नोट पढ़े जरा यहाँ तक, इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस दैट ऑल अकाउंटिंग एंट्रीज should have been correctly made and recorded in the financial statements unless there is an indication, jis tarah ratios mein point aaya idhar hi rahe sir ji, idhar hi rahe, kidhar nahi nikle, jis tarah ratios mein aaya, cash flow mein aaya, agar hame kabhi profit given hoga to hum assume karenge ki ye sahi profit hai aur therefore eps ki working kar denge, lekin agar hame pata chala ki ye profit hi galat hai to hum eps ko pending kar denge, pehle kya karenge aur fir kidhar wapas aayenge, agar profit theek karenge aur fir eps ki behas karenge, अगर नहीं पता चलेगा तो भी अजीम के फिगर्स ठीक हैं। आज नेक्स्ट पेज पे ठीक है, लेकिन इस साल नहीं तो अगले साल, ये जो प्रॉफिट है ये हमने कमा लिए हैं, प्रॉफिट हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ने कमा लिए हैं, अब ये हमारा ही डिसीजन है कि इस साल सारा लेना है, थोड़ा लेना है, कुछ अगले साल लेना है, है तो हमारा ये जो बच गया प्रॉफिट अभी 40 समथिंग हमने कैलकुलेट किए 40 का, तो वो हमारा ही है,
अब ये हमारा अपना मैनेजमेंट डिसीजन है। देखिए ये शेयर होल्डर जो है इन्हीं में से कुछ लोग डायरेक्टर्स बनते हैं, वो भी शेयर होल्डर ही होते हैं। तो ये अब हमारा डिसीजन है कि कितना फिलहाल ले लेना है, कितना इंशाल्लाह अगले साल ले लेना है, कितना एक्सपेंशन के बाद ले लेना है, हमारा ही है। कमा हमने लिया है, हमारे से कोई ले नहीं सकता। हाँ इसमें से घर कितना लेके जाना है वो एक अलग डिसीजन है। जी, एक खड़ा आते हैं, आते हैं जी। एक सिनेरियो एक आ जाए जी, आसान आसान सी वर्किंग शुरू। इफ देर आर ओनली ऑर्डिनरी शेयर्स द एंटायर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। सबको पता ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म हो गए यहाँ पर? एक मिनट, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? पहले यहाँ तक इधर बता प्लीज, कोई बता दो। इफ देर आर ओनली ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है ठीक है। इफ देर आर ओनली ऑर्डिनरी शेयर्स द एंटायर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ओनर्स, ठीक है। एग्जांपल वन, अ कंपनी हैज 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन इश्यू थ्रू आउट 2011, द कर्नल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 1 लाख। कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग पर शेयर। जी सर, कोई और शेयर नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एनी प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स ये शेयर कैपिटल, नॉट नॉमिनल अमाउंट, कुछ भी नहीं, रुपए रुपए नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स। एक शेयर के बदले देर फॉर 10 रुपए हो गए, डन हो गया। सिनेरियो बी, देर आर ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इफ देर आर बोथ ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर, सम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर मस्ट बी सेट असाइड फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस डिविडेंड। एग्जाम्पल, अ कंपनी हैज 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एंड 10,000 नॉन कमोलेटिव नॉन रिडीमेबल 10% रुपीज टू ईच प्रेफरेंस शेयर इन इश्यू थ्रू आउट द 2011। ये 10% क्या है ना, रेट ऑफ डिविडेंड 2 रुपए ईच के। ये यहाँ क्या चीज है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स नॉन कमुलेटिव है, नॉन रिडीमेबल है, 10% इनका फिक्स डिविडेंड है, और एक ऑर्डिनरी सॉरी एक प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू 2 रुपए, और 2011 में इशू रहे हैं। कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 1 लाख। कंपनी डिक्लेयर्ड द फुल 2011 डिविडेंड ओइंग टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्या ये नॉन कम्युलेटिव थे, क्या ये डिविडेंड इनका डिक्लेयर हो गया है? ईपीएस की वर्किंग करवा दें, स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ दें, माइनस कुछ बता दें कैसे। और माइनस ऑफ करना ही नहीं है, नॉन कम्युलेटिव है लेकिन डिक्लेयर हो गया है। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, 10,000 क्या है नंबर ऑफ शेयर, जरा 2 क्यों आया है, नॉमिनल वैल्यू 20,000 हो गई, जरा 10% कहाँ से आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है। आंसर 4,000 नहीं आया, 2,000 आ गया, 1 लाख में से माइनस क्यों किया, इरिडीमेबल है, नॉन कम्युलेटिव तो था लेकिन डिक्लेयर हो गया है, डिवाइडेड बाय 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स 9.8। ये थोड़ी सी वर्किंग अपने हाथ से भी साइड पे कर लें। ओके
ओके सर, थर्ड एग्जांपल सर। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी वर्सेस लायबिलिटी। अ कंपनी हैज 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एंड 10,000 10% रुपीस 10 ईच प्रेफरेंस शेयर्स इन इश्यू थ्रू आउट 2012। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 100,000 इन 2012। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग्स। यहां ना वो ईपीएस नहीं मांग रहा आपसे, सिर्फ अर्निंग्स मांग रहा। क्या मतलब मेरी बात का, मतलब डिवाइड बाय शेयर्स करके नहीं आपने आंसर बताना, सिर्फ अर्निंग्स बताना, मतलब अर्निंग्स कितनी होगी हर सिनेरियो। अज्यूमिंग चार सिनेरियोस हैं, अज्यूमिंग दैट प्रेफरेंस शेयर्स आर नंबर ए नॉन कम्युलेटिव है, नॉन रिडीमेबल है, ब्रैकेट में लिखा हुआ दैट इज इक्विटी। क्या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी का ही पार्ट है, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी शेयर्स? आप प्रेजेंटेशन लगाओ, नॉन कम्युलेटिव, नॉन रिडीमेबल एंड द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। आंसर लिखवाना मुझे आप, नहीं मतलब फिगर्स के साथ आराम आराम से। 1 लाख माइनस कैलकुलेट करना, 10,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 10%, फिगर्स शायद वही है, माइनस करूं और यार नॉन कम्युलेटिव है, माइनस 2,000। नॉन कम्युलेटिव तो है लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, तो इसका मतलब बेसिक अर्निंग्स 98,000 है, बाकी उसने पर शेयर नहीं मांगा हमसे। बी बी सिनेरियो, नॉन कम्युलेटिव, नॉन रिडीमेबल एंड द डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। 1 लाख एज इट इज क्यों रहेगा? नॉन कम्युलेटिव है, डिक्लेयर नहीं हुआ, कुछ नहीं करेंगे, तो 1 लाख का 1 लाख ही अर्निंग्स में शामिल रहेगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? जस्ट जस्ट डन है प्लीज सर। सी सिनेरियो, जस्ट मिनट, कम्युलेटिव है, रिडीमेबल है, देयरफॉर लायबिलिटी है, यहां तक ठीक है, और डिविडेंड डिक्लेयर्ड है। लाख ढूंढने, लाख ढूंढने, ऑलरेडी क्लियर हो गया है। सही 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 जवाब दें, सही जवाब दें। ऑलरेडी लेस हो गया होगा, ऑलरेडी कहां लेस हो गया होगा, फाइनेंशियल चार्जेस में वैसे लेस हो गया होगा, कमाल है, लेस करेंगे तो होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हुआ होगा तो रस्ते में क्या पड़ा होगा, वे ऑलवेज अज्यूम कि प्रॉफिट अगर बताया हुआ तो सही कैलकुलेट हुआ होगा, अनलेस पता चल जाए कि गलत कैलकुलेट हुआ, तो लाख ही रहेगा। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है, कम्युलेटिव है, रिडीमेबल है एंड डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड है। वापिस चले जाएं पेज देख तो पीछे 185 दिन में रखें, रिडीमेबल के लिए डिक्लेयर मैटर ही नहीं करता, डिक्लेयर हो या ना हो इंटरेस्ट की तरह रिकॉर्ड हुआ ही हुआ होगा। पेज नंबर 185 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो, यहाँ भी लाख लाख ही रहेगा। ये वेदर और नॉट डिक्लेयर्ड वाली जो स्टोरी है, डिक्लेयर्ड या नहीं डिक्लेयर्ड, ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो शेयर्स के लिए। देख लें पढ़ने का नहीं, फाइनली दोबारा 185 क्लास करेगा। नॉन एक्युमुलेटिव का कॉन्सेप्ट ही नहीं इसमें होता, ये लोन की तरह है, इसमें देना ही देना है, मतलब जिसका इंटरेस्ट है, क्या अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देना है, और जिस साल का है देना ही है। तो प्लीज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर सिंपली अ लोन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट फाइनल कर दें, चारों केसेस में मैंने आंसर लिखे 98,000, 1 लाख, 1 लाख और फिर 1 लाख। नीचे जरा एक नजर पढ़ लें, जरा सारा नीचे आंसर लिखे हैं, पढ़ के फाइनल कर दे रहा, पेज पूरा खत्म कर दो, एग्जांपल तक रुक जाइए। नीचे कमेंट्स लिखे हुए सीओडी के, ये कमेंट्स पढ़िए। ये कहानी ऑनलाइन थोड़ा सा बात फाइनल करनी, अगर कोई कंफ्यूजन आएगी तो बताओ। ला पेज के एंड पे एक एग्जांपल का रेफरेंस है, उससे ऊपर ऊपर पढ़ लेना।
आजकल कोई अगर आपको कोई सीनियर नजर आए मिले और आपसे कहे कि कौन सा टॉपिक हो रहा है, तो आपने कहना है कि आजकल छुट्टी है। ये ऐसे फजूल में लोग डरा देंगे, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं लग रही, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल वाली बात नहीं। तो अगर कोई कहे उनसे कि हमें ईद की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो हो चुकी हैं, ये तो समर कैंप है, सॉरी ईद कैंप है, ईद कैंप है। सिर्फ 2 घंटे की रोज क्लास होती है, सारा दिन हम फ्री है। ये अगर रिडीमेबल बेटा कम्युलेटिव है, रिडीमेबल अगर कम्बल रिडीमेबल अगर है तो वो ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में आ गए होंगे, चाहे डिक्लेयर हो या ना हो। ये आसिफ साहब मैं आपके दर्द को महसूस कर रहा हूँ, और क्लासेस भी तो होती हैं, लेकिन सारा गुस्सा मेरे पे ही है, ये भी दूसरा मसला है। हालांकि सारी हो रही है, लेकिन असल मैं ही तो शुरुआत हूँ, कोई नहीं जहाँ इतना जालिम तो थोड़ा सा और सही। पहले कौन सा कभी आपकी मानी है, ठीक है मतलब या तो मेरा पहले अच्छा इंप्रेशन क्यों सर, सरप्राइज भी नहीं सही देने देता। वंस अगेन इसका मतलब कभी कोई इरेलीवेंट बात हो तो हर तरफ से कमेंट्स आएंगे, और अगर मैं कहूं कि बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो ऐसे खामोशी होते हैं जैसे हम क्लास पढ़ रहे हैं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हमने तो वैसे ही ऑन किया था, गलती से ऑन हो गई। जी सर जी आगे हम पेज 138 के एंड पे, सॉरी 188 सॉरी 188 के एंड पे एक एग्जांपल हमारा वेट है। In the year 31st December 2011, entity G made a profit after tax of 35 lakh. Entity G has a 1 million as rupees 1 million 10% cumulative redeemable preference share capital in issue. Na kare sir, serious sir. Company G, dobara padha sentence, has 1 million rupees hai, shares nahi hai. 10% cumulative irredeemable preference share capital in issue. Bracket padhe. This would entitle investors to receive a dividend of 1 lakh kaise? Maine to kaha tha 10% nominal amount se multiply hota hai. To ye amount hi hai. Ye shares nahi, amount hi hai. To 1 million 10% 1 lakh rupees hai. Entity G has 1 million ordinary shares in issue throughout the year. Ek second explain kar raha hu. Entity G is basic EPS, बल्कि वापस आ रही है EPS की वर्किंग के बाद। फुल कंसंट्रेट करना पड़ा, ये सही स्टेप, पहला स्टेप क्या बताया करें, प्रॉफिट बता दें 35 लाख, बाकी जरा ढूंढने अच्छी तरह चीजें, माइनस अब डिक्लेयर तो आपको पता ही नहीं, नॉन रिडीमेबल है यार, रिडीमेबल है तो कमुलेटिव है, तब भी डिक्लेयर तो होना यार, अगर कमुलेटिव है तो वेदर और नॉट डिक्लेयर की स्टोरी है, ऑलरेडी माइनस हुआ होगा, ऑलरेडी माइनस नहीं हुआ होगा, है इरिडीमेबल, है इरिडीमेबल, माइनस हमने करना है, लेकिन कर क्यों रहे हैं, कोई डिक्लेरेशन की तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कमुलेटिव है, डिक्लेयर हो या ना हो माइनस करना है, कमुलेटिव है, इरिडीमेबल है, सही तरह पढ़े, इरिडीमेबल है देयरफॉर पहले माइनस नहीं हुआ होगा, कमुलेटिव है तो माइनस करना ही है, वेदर और नॉट डिक्लेयर्ड, कितना माइनस करना ही है, डिवाइडेड बाय ढूंढे 1 मिलियन क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स, कैलकुलेटर उठा लें, व्हाट इज 3.4 अर्निंग पर शेयर, यही जहां पे है इसी जगह वर्किंग लिखने वाले 8 के अंदर,
देखिए बेटा, ये जो चैंपियंस होते हैं ना, ये चैंपियंस जब किसी जगह मींस ऐसा है, जब चैंपियन चैंपियन बन जाता है, चैंपियंस चैंपियन बन जाते हैं तब तो सब लोग सलाम करते हैं, लेकिन चैंपियन बनने के लिए जो एफर्ट रिक्वायर्ड होती है वो किसी को नजर नहीं आती। तो आजकल आप चैंपियन बन चुके हैं या चैंपियन बनने की कोई एफर्ट कर रहे हैं, तो ये एफर्ट सिर्फ आपको नजर आ रहा है। नजर आ रहा है, इसे एफर्ट नहीं कहा जा सकता। हम तो जबरदस्ती बैठे, मैं अपने आप को कह रहा हूं, अब तो दिल से बैठे, आपको तो उठने को दिल ही नहीं करता, मैं ही अक्सर कहता हूँ थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो बेटा 1 मिलियन शेयर ही है, ना करें ऐसा, कंसंट्रेशन रखें, कंसंट्रेशन इज ऑर्डिनरी शेयर 1 मिलियन ही गिवन है बेटा, इस समय करें। ऑर्डिनरी शेयर रुपीज नहीं है, 1 मिलियन शेयर्स है। प्लीज ये बेटा 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर से ऊपर 1 मिलियन रुपीज थे, प्रेफरेंस शेयर के रुपीज थे, मिलियन शेयर्स दी थे, डन है प्लीज। पेज नंबर 189 पर, पेज 189 के स्टार्ट से 2 लाइनें नीचे एक नोट लिखा हुआ, और कंडी जरूर पढ़ें, हाईलाइट करें कुछ चीजें। नोट दैट रुपीज 1 लाख डिडक्टेड अबव वुड बी डिडक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड और नॉट। हाउएवर इफ दीस प्रेफरेंसेस हैव बीन नॉन कम्युलेटिव देन द डिविडेंड वुड हैव बीन डिडक्टेड ओनली इन केस डिक्लेरेशन इज मेड बाय द कंपनी। ओके सर, अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक इस डिस्कशन के तक आते आते हमारा जो ईपीएस का फॉर्मूला है उसमें पहला हिस्सा जो ऊपर था वो फाइनल हो गया है, प्रॉफिट और लॉस एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द पीरियड फॉर द पीरियड की बहस से एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो फाइनल बहस यहां तक क्या सिमट आई है, शेयर होल्डर्स ये वर्किंग कैसे किया करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इफ इट इज इफ द शेयर्स आर नॉन कम्युलेटिव देन वी विल डिक्लेयर दिस डिविडेंड देन वी विल डिडक्ट दिस डिविडेंड ओनली इफ इट इज डिक्लेयर्ड, और अगर ये कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो वेदर नॉट डिक्लेयर्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली बहस यहीं तक थी, लेकिन अब बेस में क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब हम हमारा फोकस शिफ्ट हो गया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, इन अदर वर्ड्स हमने शायद डिनोमिनेटर की बहस करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स बेस में कैसे आने हैं उसकी अब बहस होगी। बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स कंसंट्रेट सकी वंस में, एक पहले ओवरव्यू, इन द इवेंट दैट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर दैट इज द बैलेंस ऑफ शेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इक्वल टू द बैलेंस ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर से 10,000 देन द डिनोमिनेटर इन द ईपीएस इज सिंपली 10,000 शेयर्स। अच्छा, आप डिनोमिनेटर अगर मेरी तरह किसी को सही तरह नहीं पता कि कौन सी फिगर को कहते हैं तो सिंपली बेस की बात होगी, बाकी यकीन ना आपको पता है, लेकिन शेयर्स मींस बेस की बात होगी। इसे डिवाइड करना है या इसको डिवाइड करना है, इससे प्रॉफिट को डिवाइड करना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ध्यान में लानी है सर। शेयर कैपिटल का कॉलम,
यकीनन शेयर कैपिटल के कॉलम में रुपीज होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाते हुए रुपीज लिखते हैं या शेयर्स लिखते हैं, लेकिन यही कॉलम अगर शेयर्स के एंगल से सेम बनाया जाए, डेफिनेटली रुपीज में बनाना, सिर्फ एक बात समझने के लिए शेयर्स में अगर वर्किंग की जाए, तो क्या ये हो सकता है कि साल के शुरू में 1 लाख शेयर्स हो और ड्यूरिंग द ईयर कोई फर्दर शेयर इशू ना हुए हो और देयरफॉर साल के एंड में भी क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख ही हो? सो व्हाट इज द ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स, व्हाट इज क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स? क्या ये लाख शेयर्स पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहे हैं? तो क्या इनका वजन 12 महीनों का है? तो व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस, व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस, व्हाट इज द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर? 1 लाख आउटस्टैंडिंग रहे हैं, इशू करके रहे हैं, आउटस्टैंडिंग नहीं, अब लोन आउटस्टैंडिंग नहीं, इस पर डिपेंड देना, मतलब ये रहे हैं बस, आउटस्टैंडिंग सिंपली मींस अगर साल के शुरू से लेके एंड तक कोई मूवमेंट नहीं है, जो ब्रॉड डाउन थे वही करेक्ट डाउन है, तो यही ओपनिंग भी है, यही क्लोजिंग भी है और यही वेटेड अभी नंबर ऑफ शेयर्स है। लेकिन क्या ऐसे भी हो सकता है? फर्स्ट जनवरी सपोज 2022, फर्स्ट मार्च 2021, एंड जब शेयर कैपिटल क्रेडिट, लेकिन इन अमाउंट्स एंट्री होगी, प्रीमियम भी हो सकता है, लेकिन लेट्स अस्सुम जो शेयर्स इशू हुए, इशू शेयर्स, उनका नंबर, वंस अगेन नंबर ऑफ शेयर्स की मैं से बात करना है, 5000, 5000 शेयर्स और इशू हुए हैं, क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स बताए 1,05,000। अब यकीनन इन शेयर्स की नॉमिनल अमाउंट नहीं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है, वो सारी बातें वैसे ही हैं। मैं ईपीएस की वर्किंग करते हुए शेयर्स की तरफ आ रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स की तरफ। अब बताएं क्या 1,05,000 के शेयर्स पूरे 12 महीनों का वेट रखते हैं? 9 महीने ना सर, अब ये तो ना करें। क्या अब हमें ब्रेकअप करना होगा? क्या लाख शेयर्स का वेट 12 मंथ्स ही है और 5000 शेयर्स का वेट भी तो पूरा 12 महीने ही है? कैलकुलेटर फाइन, क्या लाख शेयर्स पूरा साल रहे हैं? तो ये 12 महीने रहे हैं, तो 5000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ्स बनते हैं मार्च से शुरू करने, तो इनका वेट 10 मंथ्स का है या 2 मंथ्स का है? 2 मंथ्स का ही यार, आने के बाद वजन होगा, आने से पहले वजन तो नहीं होगा। तो ये 5000 शेयर्स, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स 5000 ही हैं, लेकिन इनका टाइम की बेस पे वेट कितना है? इनटू 10/12, तो व्हाट आर द वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर? 41667 प्लस 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख एज इट इज होना चाहिए सर। उसका अगर वेट निकालना है 12/12 और इनका वेट कितना है, वो तो 1 लाख ही हो जाएगा। इनका वेट कितना बना? तो 1 लाख इंटू 12/12 इज इक्वल टू 1 लाख एंड 5,000 इंटू 10/12 इज इक्वल टू 4167। बात खत्म करते हैं, इन दोनों का सम करें, 104167। व्हाट इज 104167? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या हमें क्लोजिंग शेयर्स लेने हैं, ओपनिंग लेने हैं, ये वेटेड एवरेज शेयर्स लेने हैं? वेटेड एवरेज का प्रॉब्लम कब आएगा? जब शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर चेंज होंगे। असल में इसकी सेंस क्या है, कंसंट्रेट करना फुल दिमाग, मेरी अगली बात है। नहीं नहीं मतलब इसको इस तरह करने की सेंस क्या है? लेट्स अस्सुम आपका प्रॉफिट हुआ इस साल 50 लाख, शेयर्स इशू होते हैं तो क्या कैश आता है? बाकी ये कि ना बोनस शेयर्स वगैरह भी होते हैं, वो फिर मैं बाद में खुद डिस्कस करूंगा। सम टाइम बोनस शेयर्स में फिर कैश नहीं भी आता, तो अभी वो एबनॉर्मेलिटीज रहने दें, नॉर्मेलिटीज पर रहेगा। कैश आता है, फिर वो कैश बिजनेस में इन्वेस्ट होता है। क्या लाख शेयर्स का कैश साल के शुरू से लेके साल के एंड तक पूरा साल अवेलेबल रहा होगा? तो उस कैश को
पूरा साल प्रॉफिट कमाने का मौका मिला होगा, लेकिन ये जो 5,000 शेयर्स हैं इनका कैश आया ही कब है? तो क्या इस कैश को सिर्फ 10 महीने प्रॉफिट कमाने का मौका मिला होगा? तो अगर मैं प्रॉफिट की बेस में पूरे 1,05,000 शेयर्स लिख दूं, ये क्यों गलत हो जाएगा? क्या इस 5,50,000 के बेस में 1,00,000 शेयर्स आने चाहिए पूरे के पूरे? ये सिर्फ 1,00,000 भी नहीं आने चाहिए। क्या इसमें प्लस पूरा 5,000 होना चाहिए या वेटेड एवरेज होना चाहिए? फर्ज करें ये 5,000 शेयर्स आखिरी दिन आए, नहीं आखिरी दिन आए, फिर तो इस कैश को अभी प्रॉफिट कमाने का मौका ही नहीं मिला होगा। तो फिर इनका वेट कितना होगा? नहीं, इन 5,000 का वेट बंद लैग कैसे होगा? 5,000 का वेट 0/12 होगा यार, आखिरी दिन है, आखिरी दिन है भाई, इतना क्या होगा? 5,000 शेयर से बात है। देखिए जो 1,00,000 है वो तो पूरे साल रहेगा ना, लेकिन अगर ये 5,000 शेयर आखिरी दिन आए तो फिर इनका वेट कैसे कैलकुलेट होगा? 0/12। अगर यही 5,000 शेयर पहले दिन इशू हो जाते तो फिर इनका वेट भी 12 months होता। तो व्हाट इज द सेंस बिहाइंड दिस स्टोरी, कि जो पैसे आते हैं उनको फिर कितना ऐसा चांस मिला है कि उन्होंने प्रॉफिट कमाया? तो प्लीज डिवाइड बाय किससे होता है? वेटेड एवरेज शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। और वेटेड एवरेज का प्रॉब्लम सब कब आएगा? जब कुछ शेयर ऐसे होंगे जो ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए। डन है प्लीज। अब ये थोड़ी स्टोरी अभी लिखने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल अभी एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स आ रही है, जिन्हें रखकर ओवरव्यू बराबर। In the event that there was no movement of shares during the year, no movement of shares का मतलब the balance of shares at the beginning equals to balance of shares at the end, say 10,000 थे, then the denominator means जो नीचे फिगर आनी है in the earnings per share is simply 10,000. Opening, closing is weighted average. If however there was a movement in number of shares during the year, then the number of shares to be used in the calculation will need to be adjusted. Or weighted, the movement could result into increase or decrease in number of shares. Weighted वाली story समझ आ गई? अब हम क्या करने लगे हैं? वो सारे scenarios यहाँ पढ़ने लगे हैं, जिन scenarios की base पे shares में इजाफा भी आ सकता है और shares में कमी भी आ सकती है। आपको चीजें कुछ पता है तो अभी मैं याद कराता हूँ, कुछ definitely इसमें नई चीजें भी आएंगी। तीन पॉसिबिलिटीज नीचे लिखेंगे। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स कुड कम इन द फॉर्म ऑफ नंबर 1, इश्यू फॉर वैल्यू का ब्रैकेट में मतलब पड़े शेयर्स इश्यूड एट देयर मार्केट प्राइस। ये नॉर्मल सिचुएशन है, एंट्री बता दें शेयर्स आपने मार्केट वैल्यू पे इशू कर दिए, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, नॉमिनल वैल्यू से कम ज्यादा अगर आया तो प्रीमियम डिस्काउंट बन के बात खत्म हो गई। इश्यू फॉर वैल्यू से मुराद issue for full market. अगली लाइन, issue for no value. Bonus shares का आपको पता है? Double entry बोलो। इसमें कोई cash की बहस नहीं है, cash आता ही नहीं है। लेकिन एक और example लिखी हुई इसकी, share split वो मेरे लिए है, मैं बताता हूँ। Bonus shares का पता है सबको? तो bonus share is an example of issue for no value. या issue for value और no value बड़ी दफा बढ़ आने, क्या समझे आप issue for value? फर्क दोबारा रिवाइज करने सर, बोनस शेयर ही होते हैं, बोनस शेयर दिए हैं कि शेयर्स इश्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन। राइट शेयर्स होते हैं शेयर्स इश्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विद कंसिडरेशन। अक्सर राइट शेयर्स इश्यू करते हुए क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स जाने हैं तो इंसेंटिव के तौर पे अक्सर लेस देन मार्केट वैल्यू पे इशू कर दिया जाता है। लेकिन अगर फर्ज करें राइट शेयर्स भी फुल मार्केट वैल्यू पे ही इशू हो जाए तो ये भी फिर इश्यू फॉर फुल वैल्यू कहलाएगा। पहले और तीसरे में क्या फर्क है? इसमें हमने फुल मार्केट वैल्यू पे इशू किए हैं और कॉम्बिनेशन वैल्यू का मतलब है, कॉम्बिनेशन इशू में क्या है, राइट शेयर्स की बात हो रही है, लेस देन मार्केट वैल्यू पे इशू किए हैं।
लेस देन मार्केट वैल्यू पे अगर इशू किए जाए तो क्या कुछ शेयर होल्डर्स का फायदा भी दिया जा रहा है, पैसे भी लिए जा रहे हैं, कुछ वैल्यू भी है और कुछ नो वैल्यू वाली स्टोरी भी है। इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, कंबिनेशन इशू। क्या कुछ फायदा भी दिया जा रहा है अगर कम पैसे दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं और कुछ लिए भी जा रहे हैं, इसकी फॉर वैल्यू और फॉर नो वैल्यू इकट्ठा होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है। लेकिन अगर राइट शेयर फुल मार्केट वैल्यू पे इशू हो जाए तो फिर वो यकीनन इशू फॉर वैल्यू ही कहलाएगा। इन तीनों में कॉमन चीज ये है कि क्या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। पहले केस में पूरी मार्केट वैल्यू लेके बढ़ेंगे, दूसरे केस में बगैर कुछ लिए नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, और तीसरे केस में लेस देन मार्केट वैल्यू लेके शेयर्स बढ़ जाएंगे। तीनों में कॉमन क्या है, बाकी ये कॉम्बिनेशन इशू वगैरह एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है ये इंशाल्लाह यकीनन फर्दर बहस की जरूरत रहेगी। ये तीन एग्जांपल्स किस चीज की हो गई जी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। आज डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स का एक चीज आपको पता है पहले, एक फिर मैंने बतानी है। कभी आपने सुना है कि शेयर्स रीपरचेज हो गए, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एट द डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट नॉट एट द चॉइस ऑफ द शेयर होल्डर। एंट्री बोले शेयर कैपिटल है भी कैश क्रेडिट, लेकिन ये भी अब फॉर वैल्यू है, लेकिन इस फॉर वैल्यू से रिडक्शन हो। तो आज अगर पढ़ डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स कुड कम इन द फॉर्म ऑफ नंबर वन शेयर बायबैक या रीपरचेज ऑफ शेयर्स, और अब इसको क्या कहा जा रहा है, फॉर वैल्यू रिडक्शन। फॉर वैल्यू इंक्रीज है या रिडक्शन है, फॉर वैल्यू का मतलब यहां पैसे लेके शेयर वापस, फॉर वैल्यू इंक्रीज नहीं है, फॉर वैल्यू रिडक्शन है। एक एंट्री लिखे पैसे लेके शेयर कम हो रहे, पैसे दे के या पैसे लेके शेयर कैपिटल रहते, सही कह रहे हैं कैश शेयर डिक्रीज हो रहे हैं पैसे लेके, देख सही कह रहे हैं सर, ठीक है सर मैं नहीं वो अभी छोड़ो इंशाल्लाह। एंड दूसरी किस्म चीज है शेयर कंसोलिडेशन। इनमें दो चीजें ऐसी आई हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक शेयर स्प्लिट ऊपर ढूंढे उसे क्वेश्चन मार्क लगाएं, और यहाँ शेयर कंसोलिडेशन इसको भी क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसके इनके अलावा मेरा गुमान है थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया जरूर पैदा है, मसलन कौन कौन सी चीजों का, इश्यू फॉर वैल्यू का मतलब हमें पता है, फुल मार्केट वैल्यू, नो वैल्यू में बोनस शेयर्स का पता है, राइट शेयर्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया है, रीपरचेज ऑफ शेयर्स का भी कुछ ना कुछ आइडिया है, इसके आइडिया नहीं है, शेयर सप्लिट का भी नहीं है, शेयर कंसोलिडेशन का नहीं है। अब हमने करना यह है कि हमने हर इस टाइप को अलहदा अलहदा इंशाल्लाह डिस्कस करना है। ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मूवमेंट विल नाउ बी डेल्ट विद सेपरेटली। नंबर वन तो इंटरेस्टिंग बहुत हो गई, दिल ही नहीं कर रहा कि खत्म किए बगैर क्लास से जाए, मतलब एक सस्पेंस है, पता नहीं क्या शेयर सेपरेट क्या होती है, आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी है मतलब इसके आगे मैं मेरी बस हो गई है। इश्यू फॉर वैल्यू, शेयर्स आर इश्यूड एट फुल मार्केट वैल्यू, आज फिर फंस गए। इश्यू फॉर वैल्यू जो थी फुल मार्केट वैल्यू, उसका मैंने आइडिया भी आपको थोड़ी देर पहले दे दिया था, तो टाइम और परसेंट बेसिस होते हैं, एक एग्जांपल सी भी लिखी हुई है, आई एग्जांपल पढ़ के उसे सॉल्व कर। ऑन 1st January 2020 कंपनी हैड 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू। आई रिपीट वंस अगेन, शेयर्स की गेम है, अमाउंट की नहीं इस वक्त, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स थे 1st January को, 1st April 2020 1 मिलियन न्यू शेयर्स वर इशू, 1st July 2020 an extra 1 million shares come into existence, on 1st November 2020 500,000 more shares were issued. In saalon ko karke kabhi kabhi lagega ki shayad company bani share issue karne ke liye thi, to wo koi issue nahi inshallah, wo koi issue nahi, share issue ho rahe hain. Aakhri line kar underline kare, assume bani, assume all shares were at full market value. Ek double entry bol dene sare shares ki, na 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 sakat baat thi hum जी सर जी, आपने मुझे इस डेटा से वेटेड अभी नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करवाने हैं, और आपने भी पेज नंबर 189 के एंड पे जगह है, साथ साथ मेरे लिखने हैं उधर जो पेज नंबर 189 के एंड स्टार्ट करवा देना। जो स्टार्ट में 5 मिलियन शेयर्स थे उनका वेट कितना है, 12/12 मंथ्स गिना करने के पर्दा करने हैं, कंसंट्रेट करना। फिर 1 मिलियन शेयर्स का इशू है,
मंच किंदे 9 बाय 12 डन 1 मिलियन शेयर्स फिर इशू हुए 1 जुलाई है 31 दिसंबर 6 बटा 12 लास्ट 5 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 नवंबर है 2 बाय 12 लिखें सॉल्व करें मुझे फाइनल आंसर बता नहीं लिख लेना लिख के सॉल्व करो जी प्लीज डियर फ्रेंड्स अगर कोई ग्लासेस उतारे हुए किसी भाई ने वो भी आई साइट वाले ब्लैक ग्लासेस एक भाई ने लगाया होता था कल वो कह रहा था मेरे ग्लासेस जो है ये आई साइट के लिए तो प्लीज आई साइट अपनी बहाल करें ग्लासेस लगा के ये खैरियत मैंने पहली दफा आपको बगैर ग्लासेस को देखा आज तो मौसम भी बड़ा सनी डे है तो ये सर जी टोटल बता दीजिए जी सर को लास्ट टाइम टोटल बता दें टोटल ही है बेटा इसमें गुस्से की क्या बात है सॉरी मैंने पूछा ट्रिपल साथ वाले कहना मैंने को नहीं बताना तू ही बता चल सॉरी है आप लोग तो गुस्सा ही करके मैंने आपका दोस्त आगे क्या बुलाया आप लोग गुस्सा ही करके नेक्स्ट फेज पे जाए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 खुद से पढ़ के खुद ही सॉल्व कर दे जल्दी होते दरमियान में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 वर्किंग करें सॉल्व करें ईपीएस बतानी है फाइनल मुझे मंथ्स गिनने की गेम है सर जल्दबाजी में मंथ्स नहीं गलत गिनना जी 10250 ओके जी 3.6 पर शेयर अच्छा ये लिखना जरूरी है 3.6 पर शेयर ये लिखना कंपलसरी है जिस तरह वो टाइम्स परसेंटेज डेज वीक्स तो लिखना कंपलसरी प्लीज डन है प्लीज वेटेड एवरी नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करना यार एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करना या वेटेड एवरी नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरी नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स बताइए ढूंढ के आप आंसर देख रहे हैं मुझे लग रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स कितने 12 मिलियन 12 मिलियन की बेस पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनेगी ऐसे ही 12 मिलियन शेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में ही क्लोजिंग जाएंगे लेकिन ईपीएस की वर्किंग में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है तो व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला अर्निंग्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स तो ईपीएस की वर्किंग में वेटेड एवरेज है बाकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में वही चीजें जो आपको पता है
जी ओके प्लीज। चले सर, ये कॉन्सेप्चुअली अपने आप को क्लियर करके उठिएगा, आज अंदर आप बहस समेटा जरा। ये कोई यहां तक ये बता दे, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको रीजन बताई थी कि हम वेटेड एवरेज शेयर्स की वर्किंग कर क्यों रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर चेंज होने का मतलब क्या है। रिसोर्सेस को जितना अरसा मिला है प्रॉफिट कमाने के लिए, उस हिसाब से हम शेयर्स लिखना चाह रहे। अब आ जाए, ये मेरी बात ध्यान रखे, 190 पेज के अंदर और लिखा हुआ इश्यू फॉर नो वैल्यू। इश्यू फॉर नो वैल्यू में शेयर स्प्लिट क्या चीज है, ये आपने बिल्कुल इग्नोर रखनी है। बोनस शेयर आपने बस ध्यान रखना है फिलहाल। इश्यू फॉर नो वैल्यू, कंसंट्रेट कंसंट्रेट, इन्वॉल्व एन एंटिटी इफेक्टिवली गिविंग अवे शेयर्स। ऐसी क्या लिए बगैर बस शेयर दे दिए, गिविंग अवे शेयर्स विदाउट टेकिंग एनी कैश, क्या इससे शेयर्स बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड कैपिटलाइजेशन इशू, बोनस इशू, स्क्रिप इशू। ये एक ही चीज के तीन नाम हैं और आसान सा लफ्ज इसके लिए बोनस शेयर। ये जिस जमाने में पहली दफा बोनस शेयर पढ़े होंगे उस जमाने में भी ये वर्ड्स आए थे, एक दफा दोबारा ये तीनों वर्ड्स हाईलाइट करके ऊपर बोनस शेयर लिखे। बोनस शेयर को क्या क्या और क्या कहा जाता है, कैपिटलाइजेशन इशू, बोनस इशू, स्क्रिप इशू। इश्यू फॉर नो वैल्यू से मुराद क्या है, कैश लिए बगैर शेयर इशू हो गए हैं, क्या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड बोनस शेयर्स एंड शेयर स्प्लिट, वंस अगेन इग्नोर फिलहाल, विल बी डिस्कस लेटर ऑन। कैपिटलाइजेशन इशू फ्रीक्वेंटली अकर व्हेन द कंपनी हैज अ शॉर्टेज ऑफ कैश, विद द रिजल्ट द शेयर्स आर इशूड इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। ये शायद मैंने भी आपको बताया, कंपनी कैश डिविडेंड देना चाहती है लेकिन अगर सपोज कैश अवेलेबल नहीं है तो रादर देन शेयर होल्डर्स को ये कहा जाए हमने कुछ नहीं देना, और शेयर होल्डर्स ऐसे परेशान हो, नाराज हो, गुस्सा कर जाए, कुछ ना कुछ उन्हें इंसेंटिव के तौर पे कम से कम शेयर्स पकड़ा दिए जाए ताकि हमसे अगर कुछ ना भी मिले तो ये शेयर्स अपने उठा के वो स्टॉक एक्सचेंज में ले जाए, और अगर कोई कम से कम बायर मिल जाए इन शेयर्स का तो उसे ही बेच के कुछ कमा सके। तो पूरी बात समझ रही है, बोनस शेयर इसलिए दे दिए जाते हैं ताकि उन्हें कुछ ना कुछ हमसे नहीं तो स्टॉक एक्सचेंज से तो मिल जाए। सिंस देयर हैज बीन नो इंक्रीज, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज आ जाना। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज होने लगी है, आपने फुल कंसंट्रेशन साथ साथ रहना। सिंस देयर हैज बीन नो इंक्रीज इन कैपिटल रिसोर्सेस, देयर इज नो कैश इंजेक्शन इनफ्लो, इंजेक्शन तो कैश नहीं आएगा, इनफ्लो नहीं होगा, एन इंक्रीज इन प्रॉफिट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। बोनस शेयर इश्यू करके कैश आएगा, और अगर कैश नहीं आएगा तो क्या ये सोचा जा सकता है कि इन शेयर को इश्यू करके हमारे प्रॉफिट में कितना इजाफा हुआ होगा। अगर बोनस शेयर साल के शुरू में इशू हो जाए तो इन शेयर्स ने पूरा साल प्रॉफिट कमाने में हिस्सा लिया होगा, अगर ये एंड में इशू हो जाए तो इन बोनस शेयर्स को चांस ही नहीं मिला होगा प्रॉफिट कमाने का, और अगर ये मिड में कहीं हो जाए तो 6 महीने में मिला होगा प्रॉफिट कमाने का चांस। नहीं, मैंने तीन स्टेटमेंट आपके सामने जानबूझ के बोले, क्या क्या बोला मैंने, सेंटेंस ठीक है मेरा, सेंटेंस मेरा ठीक है, आपका ध्यान उधर था, मैं बात गलत कर गया। आप एंजॉय कर रहे थे जैसे वो एंजॉय कर रहा था, बड़ी मुश्किल से इस एंजॉयमेंट से बताया मैंने। अगर बोनस है साल के शुरू में इशू हो, मिड में हो, एंड में हो, कहीं भी हो, उनके अगेंस्ट तो कैश आना ही नहीं है, और देयरफॉर इन शेयर्स से कोई प्रॉफिट में इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन ही नहीं। आगे बढ़े, इफ अर्निंग इन द करंट ईयर
कंसंट्रेट अब आपने करना, बड़े हो गए आप। इफ द अर्निंग इन द करंट ईयर आर द सेम एज द अर्निंग इन द प्रायर ईयर and there is an increase in number of shares in the current year as a result of bonus shares or share separate padh ke chhod do the earning per share figure in the current year will when compared with the earning per share in the prior year in indicate deterioration kami kharabi in the efficiency of the earnings relevant to the available capital resources comparability will be jeopardized ये खतरनाक लफ्ज पढ़ने से पहले बोर्ड पे देखा। थोड़ी देर पहले भी ये बहस हुई है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ईपीएस 15 रुपए पर शेयर है तो बताएं ये अच्छी परफॉर्मेंस है या बुरी। जब तक हम इसे कंपेयर नहीं करेंगे तो ये मीनिंगलेस है। तो देयरफॉर ईपीएस की अगर ईपीएस से अगर फायदा उठाना है कुछ बात समझने की कोशिश करनी है तो कंपेरेबिलिटी कंपल्सरी। तो देखो फर्ज करें लास्ट ईयर प्रॉफिट था 1 लाख और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स थे 10,000, देयरफॉर अर्निंग पर शेयर थी 10 रुपीज पर शेयर। लेट्स अज्यूम इस साल भी प्रॉफिट 1 लाख है, क्या हर साल प्रॉफिट सेम रहता है? जरूरी नहीं, डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने जरा कंपैरिजन करके आपको दिखाना है, इसे मैंने क्या ज़ूम किया कि सपोज प्रॉफिट सेम। लेट्स ज़ूम ड्यूरिंग द ईयर 5,000 के बोनस शेयर्स इशू हुआ, क्या 2022 में 5,000 शेयर्स बढ़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 15,000 हो जाएंगे? तो मैंने लिख दिया जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, एक मिनट आंसर बताएं, 6.67। यहां तक मैंने जो भी किया उसकी बेस पे जो मैं फिगर निकाल रहा हूं, ये समझ आया क्या किया मैंने? 10,000 कौन से शेयर्स हैं? क्लोजिंग ओपनिंग बना, अदर शेयर इश्यू हुए लेकिन कौन से वाले 5,000 मैंने प्लस कर दिए और देयरफॉर बेस में 15,000 शेयर हो गए। ईपीएस कैलकुलेट हो, अब आप एनालिस्ट हैं, एनालाइज करें क्या परफॉर्मेंस खराब हुई हो गई नजर आ रही है? 10 और 6.6 है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नजर कुछ और आ रहा है। क्या परफॉर्मेंस सेम रही है? क्या परफॉर्मेंस सेम ही रहना एक्सपेक्टेड भी था? जो शेयर इश्यू हुए उनके कहीं से पैसे भी नहीं आए, लेकिन अगर हम इन्हें एज इट इज ले लें शेयर्स को बेस में, तो क्या जो ईपीएस कैलकुलेट होगी वो कम कैलकुलेट हो जाएगी? तो क्या परफॉर्मेंस खराब हो गई है? लग रहा है, हालांकि सेम है। सेम क्यों है? सेम प्रॉफिट है, जो शेयर्स में इजाफा हुआ है उन शेयर्स में तो पैसे आए ही नहीं, उन शेयर के तो पैसे आए ही नहीं, उन्होंने तो प्रॉफिट के में कंट्रीब्यूट करना ही नहीं था। तो ये कंपेरेबिलिटी जो है ये खराब हो गई, इसे कहते हैं कंपेरेबिलिटी जेपर्डाइज्ड हो गई। दूसरा वर्ड क्या बढ़ने से क्या कम हो गया है? हालांकि लॉजिकली कुछ नहीं हुआ, बेस में शेयर ज्यादा होने से अर्निंग पर शेयर कम हो गई है, हालांकि हकीकत यह है कि परफॉर्मेंस खराब नहीं हुई है। तो बेस में बोनसेस लिखने से कंपेरेबिलिटी जेपर्डाइज हो गई। जेपर्डाइज छोड़ देते मेरे ख्याल, कंपेरेबिलिटी सही नहीं रही, कंपेयर करना मतलब कंपैरिजन सही नहीं है। ये कहना कि परफॉर्मेंस खराब होगी ये मुनासिब बात नहीं, ये हकीकत से नजरें चुराने वाली बात है। देयरफॉर अब मेरी सजेशन ये है कि आप बताएं कि क्या करें। आपको पता है जो मैंने कहना है वो आपको पता है,
आप बताएं क्या बेस में अभी भी दस्तदारी होनी चाहिए? क्यों? वो 5,000 शेयर्स जिन्होंने प्रॉफिट कमाने में हिस्सा ही नहीं लिया, उनको इग्नोर करके बुकिंग होनी चाहिए। तो आप बताएं बेस में अभी भी क्या होना चाहिए? ये ऑनेस्ट में जरा पार्टिसिपेट करें, ये बच्चे तो मेरे साथ रह के जरा गुमराह होकर लगता है। ये मुझे आपकी तरफ से आंसर चाहिए, आपके ख्याल में ये 2022 की बेस में क्या आना चाहिए? और बेटा एक दो बता दे प्लीज, एक दो बता दे सर। यार टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 15,000 नहीं, तो 15 में क्या इतराज है? क्या बेस में इतने शेयर होने चाहिए? क्या हकीकत यही है जो कैलकुलेट हो रही है कि परफॉर्मेंस सेम है, ना इंप्रूव हुई है ना खराब हुई है? तो क्या कंसिडर नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में? तो मैं आपसे 100% एग्री करता हूं, लेकिन अब आपने सबने लगा लेनी टेक और यूं बैठे, और जिस तरह मैंने कई दफा आपको पहले भी कहा उसी तरह मैंने एक और बात आपके सामने रखनी है। जब भी कोई नई बात बुजुर्गों के सामने आए तो पहले ठंडे दिल से सुनना, और अगर इख्तलाफ सिर्फ ये रह जाए कि यार ये भी तो हो सकता था और वो क्या ये भी हो सकता है, तो फिर यकीनन किसकी मान लेनी चाहिए? उन्होंने यकीनन कुछ सोचा हो। लेकिन अगर इख्तलाफ ये हो गया ये नहीं हो सकता, तो ना मैंने पहले आपको कभी फोर्स किया है और ना ही कभी आप होंगे। आप सच और सच का हमेशा साथ देते हैं। तो जिन्होंने ये स्टैंडर्ड बनाया है उन बुजुर्गों ने ये कहा कि 2022 में अगर शेयर्स में इजाफा हो गया तो उसे कंसिडर करें, लेकिन अभी आपने ठंडे दिल से बात पूरी सुनी। और क्या करें? 5,000 कंसिडर करें, लेकिन क्या इस तरह करने से कंपैरिजन खराब हो जाए? उसको सही करने के लिए लास्ट ईयर में जाएं, रीस्टेटेड लिखें, IAS 8 ज़हन में लाएं, और ये एडजस्टमेंट जो बोनस शेयर्स की आपने 2022 में की है, ये एडजस्टमेंट 21 में भी कर दें। ये शेयर इशू किस साल हुए हैं तो उसमें भी कंसिडर करें, लेकिन कंपैरिजन ठीक करने के लिए पिछले सालों में जाके EPS को रीस्टेट कर दें बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स जो फर्दर इशू हुए हैं विच हैव नो वैल्यू। या तो कुछ ना करें, या तो कुछ ना करें, और अगर कुछ करना है तो कंपैरेटिव में भी बोनस शेयर्स। क्या ये भी ठीक है? आप कौन सा कह रहे थे कि ना इधर लिखें ना उधर लिखें? उन्होंने क्या कहा कि इधर लिखें क्योंकि शेयर इशू हो गए, शेयर बढ़ गए, लेकिन कंपेरेबिलिटी ठीक करने के लिए क्या करें? रीस्टेट कर दें पिछले साल की EPS को। एक सेकंड के लिए 2021 में जरा ज़हनी तौर पर जाएं। 2021 में जो EPS की वर्किंग शेयर होल्डर्स को नजर आ रही होगी वो किन फिगर्स की बेस पे आ रही होगी? 1,00,000 / 10,000, वहां उन्हें क्या आंसर नजर आ रहा होगा? 10 per share। लेकिन जब हम 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हें बना के भेजेंगे तो क्या 2021 वाली EPS रीस्टेट हुई हुई है? उसके पर रीस्टेट लिखेंगे। तो अगर बोनस के इशू हो जाए तो करंट ईयर में उसे कंसिडर करें, लेकिन फिर प्राइड ईयर में उसकी एडजस्टमेंट क्यों करें? ताकि 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 कंपेरेबिलिटी सही हो सके। तो क्या ये कोई गलत बात हो गई है? अगर वो हो जाता तो वो भी ठीक था। क्या इसमें आपके मसला रह गया है? क्या करके किसको ठीक करना?
तो क्या ऐसे भी आंसर ऐसे ही नजर आएगा कि परफॉर्मेंस में कोई मसला नहीं है? सबको ये बात समझ आई सर? तो बुजुर्गों में क्या कहा है कि इसे एडजस्ट करने का तरीका क्या है, इश्यू फॉर नो वैल्यू का तरीका क्या है? एक करंट ईयर में एडजस्टमेंट करें और प्रायर ईयर में रीस्टेटमेंट। यहाँ तक थोड़ा सा जो मैंने ये बात की आपके सामने, आपको कहीं लिखनी चाहिए था ये, जरा पेज के कौन सा पेज पे इसको बताता था, 191 के स्टार्ट पे रेखा बन जाएगी। देखिए पहले इससे पहले कि आप लिखें तो कोई फाइनली कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी, सवाल इसके कि यार वो भी तो हो सकता था, तो अगर मैं कहूँ ये भी तो हो सकता, और मैं नहीं बल्कि बुजुर्ग कहते हैं ये भी हो सकता, मैं वैसे आपके साथ हूँ लेकिन मेरे बुजुर्गों के साथ भी होना पड़ेगा, तो फाइनली किसकी मानना, मानने जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट की कोई कंफ्यूजन आएगी। जी मिस्टर हमजा आपकी बात बड़ी लॉजिकल है, मैं भी इसका जवाब देता हूँ। जी जी जस्ट एक मिनट, मेरे ख्याल आपके भी जहन में वही सवाल आ रहा, मैं एक मिनट इंशाल्लाह टाइम है वही बात करके खत्म करता हूँ। असल में मसला क्या है स्टोरी में, नहीं मतलब बोनस शेयर्स में मसला क्या बना, इसमें कैश नहीं आ रहा, नहीं नहीं इसमें कैश नहीं आ रहा, देयरफॉर इसका प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं है, तो या तो इसे कंसीडर ना किया जाए, और अगर कंसीडर करना है तो ऐसे किया जाए कि इनका इफेक्ट फिर हर साल सेम रहे ताकि कंपेरेबिलिटी खराब ना। जी पिछले जितने साल प्रेजेंट हो रहे होंगे, अगर आप एक कंपेरेटिव दे रहे हैं तो एक, अगर फॉर एग्जाम्पल 2020 में भी कंपेरेटिव दे रहे हैं, 2019 भी दे रहे हैं, तो जितने कंपेरेटिव ईयर होंगे सब में पिछले साल में एडजस्टमेंट। जी अब यहाँ एक क्वेश्चन बच्चों ने उठाया, हो सकता है आपके भी जहन में आया हो, अगर ये बोनस शेयर साल के शुरू में इशू हुए हैं, मिड में हुए हैं या एंड में हुए हैं, तो क्या इनकी कोई टाइम वेटिंग की सेंस बनेगी? टाइम वेटिंग 12/12, 6/12, वो तो बेटा तब है जब रिसोर्सेज आएंगे, तो इस केस में कोई टाइम वेटिंग नहीं है, ये शुरू में इशू हो, मिड में हो, एंड में हो, जितने होंगे उतने ही पिछले साल में एडजस्ट हो जाए। ये समझ आ रहा है टाइम वेटिंग किसे कह रहा हूँ? और अभी थोड़ी देर पहले हमने 12/12, 6/12 वगैरह कर रहे थे, वो सिर्फ किस केस में करना होता है? जब इशू फॉर वैल्यू हो, पैसे आएंगे तो उन्हें मौका मिलेगा, कितने मंथ का मौका मिलना है वो करना है, और अगर पैसे नहीं आएंगे तो इनको कोई टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है, ये शुरू में हो, मिड में हो, आखिर में हो, इनकी फिगर एज इट इज आएगी। डन है प्लीज? तो यहाँ तक कंफ्यूजन को लेकर जा रहे हो घर, जो ऑनलाइन स्टूडेंट फाइनल कर दें जरा। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आ गया है, और बेटा एक इन चक्रों में पढ़ जाते हैं आप लोग, ये जो किताब में सवाल है ये सारे पास पेपर के हैं, पास पेपर लेने बेटा, ये सवाल करते नहीं आप लोग पास पेपर लेने, और ये सारे पास पेपर के सवाल हैं, कहाँ से है इस किताब में सवाल? प्लीज ये सारे पास पेपर अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ हो गए, एक इन चक्रों में पढ़ जाते हैं, ये करते नहीं वो कर लेंगे। जी जजाकल्ला सर, मैंने वो भी करवाना है जो आज वाला रेशोस का सवाल है, ये भी मैंने डिस्कस करना है, जो कल रेशोस का होना है वो भी मैंने डिस्कस करना है, तो ये आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपकी टेंशन सिर्फ ये है कि आप साथ साथ लगे रहें, वो तो मुझे पता है, किसी दिन भी मैंने आपको संडे कहा ना तो आपने आ जाना, इतनी सी बस बात है। ये वॉल्यूम वन एक आध दिन अगर ऑन है तो रेशोस के साथ लिंक है, बाकी आप लोग अपना कल के टेस्ट की तरह सही तरह दोबारा प्लानिंग करें, एक दो अच्छे सवाल जो भी आपको लगते हैं उनको रिवाइज करके टेस्ट दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल पंगा।